हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है द सिविल पॉइंट के ऊपर। मैं पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता हूं द सिविल पॉइंट पे। तो हम करने जा रहे हैं सर्वे का एमसीक्यू सीरीज। बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक अब से चलने वाला आपका, क्योंकि कंपास ट्रेवर्स के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, कंपास सर्वे के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। तो सर्वे जो पेपर है ना, ये अपने आप में वैसे भी आपका इंपॉर्टेंट पेपर है, इसका वेटेज काफी ज्यादा है। चाहे आप एमपी व्यापम एग्जाम को देखेंगे या एसएससी जेई एग्जाम को देखें या और भी कोई स्टेट का जेई या ए का एग्जाम देखोगे, सर्वे का जो पेपर होता है ये अच्छा खासा वेटेज बियर करता है। और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है ये एंटायर डिस्कशन में वो ये है कि क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरा सर्वे का रिवीजन कर लें। और यकीन मानिए, आपके जहन में आ जाएगी सर्वे, आपको याद हो जाएगी सर्वे, आप सोते जागते बोलते रहोगे सर्वे सर्वे सर्वे, ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, कंप्लीटली फॉलो करिएगा, लेक्चर को अच्छे से देखिए स्टार्टिंग टू एंडिंग तक। बाकी जैसे अभी एमपी व्यापम का एग्जामिनेशन आने वाली है, तो एग्जाम में जाने से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है। ओके, सो आप द सिविल पॉइंट एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल होगी, जिसमें टेक्निकल एंड नॉन टेक पोर्सन दोनों ही है। आप जाके एनरोल कर सकते हैं एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम देयर। वहां पर भी जो आपको डाउट आएंगे, हम लोग हैं वहां पर भी, आपको असिस्ट किया जाएगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आती है तो आपको उसमें भी हेल्प किया जाएगा। ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज में कुछ सॉल्यूशन है तो वो भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसमें भी मदद की जाएगी। तो हम इतना क्लोजली आप सबके पीछे वर्क करते हैं। सो डोंट मिस द ऑप्शन, अभी भी सफिशियंट अमाउंट ऑफ टाइम है। जब आपको टेस्ट सीरीज एनरोल करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए और अच्छे टाइप से। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं, अब हमारा सेशन को चालू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 44 डिग्री 30 मिनट, व्हाट इज द ट्रू बियरिंग इफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 6 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ये डिक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट है क्या, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है, हमको ये समझनी है कि व्हाट इज बियरिंग। एक किसी लाइन का बियरिंग का मतलब क्या होता है। ये जो बियरिंग है, इट इज ए टाइप ऑफ हॉराइजेंटल एंगल, ये वर्टिकल एंगल नहीं है। क्या है, कंपास सर्वे में हम हॉराइजेंटल एंगल पे बात करते हैं। वर्टिकल एंगल क्या होता है, थेडोलाइट को यूज करके मेजर करते हैं। कैसे, मान लीजिए ये कोई टावर है, यहाँ पर मैंने थेडोलाइट को रखा है, तो थेडोलाइट का जो टेलीस्कोप है उसको इस तरह से इंक्लाइन करूंगा और इस टावर का टॉप को साइट करूंगा, तो हॉराइजेंटल के रेस्पेक्ट में उसका लाइन ऑफ साइट जो इंक्लाइन मैंने किया है उसका क्या वैल्यू है, वो एंगल कितना है, दैट इज योर वर्टिकल एंगल, जो कि हम थेडोलाइट को यूज करके मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम हॉराइजेंटल प्लेन में एंगल्स मेजर कर रहे हैं डिफरेंट लाइंस का। तो ये जो एंगल्स होते हैं इसी को हम बोलते हैं बियरिंग्स। ठीक है, अब ये जो बियरिंग है इसको एक फिक्स्ड रेफरेंस के बेसिस, रेफरेंस के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। अब वो फिक्स्ड रेफरेंस क्या है, आपको मालूम है, उसे हम मेरिडियन कहते हैं। मेरिडियन दो तरह के होते हैं, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये मेरिडियंस बेसिकली क्या होते हैं, आपको मालूम है अर्थ जो होता है इस तरह का होता है ना, गोल, स्फीयर, ऑब्लेट शेप होती है बेसिकली, ना स्फीयर ना, मतलब ट्रूली स्फीयर नहीं होता है, थोड़ा फ्लैट होता है ना, तो ऑब्लेट शेप बोलते हैं इसको। तो ये नॉर्थ, ये आपका साउथ। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस होते हैं जो कि इन नॉर्थ एंड साउथ पोल को कनेक्ट करता है, तो इन्हीं लाइंस को हम बोलते हैं मेरिडियन, और इनको बेसिकली ट्रू मेरिडियन बोला जाता है। क्या, ट्रू मेरिडियन। तो किसी भी लाइन का बियरिंग अगर हमको बताना है, लेट्स सपोज ये एक मैं सिस्टम बना रहा हूं, आप इसमें देखिए ये डायरेक्शन वाला सिस्टम देखिए, तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो अगर आपको किसी भी लाइन का बियरिंग बताना है, इसको आप इमेजिन करिए कि ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ग्राउंड के ऊपर है। यहां पर कोई एक लाइन है ऐसा, लाइन ए, इस लाइन का आपको बियरिंग बतानी है, तो आप क्या बताओगे कि नॉर्थ से इस लाइन का एंगल कितना है, इसको हम बोलेंगे थीटा, और दिस थीटा इज द बियरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। इसी तरह कहीं पर भी लाइन हो सकती है, इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकती है। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। यहाँ पे एंगल मेजरमेंट करने का दो टेक्निक आता है, एक होता है डब्ल्यू सर्कल, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, एक आता है क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। आगे चल के क्वेश्चन आया उसमें मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है, आपको वहां समझ में आ जाएगा, इससे पहले भी आपने पढ़ रखा होगा, तो वो आगे चल के और डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ना। तो अभी देखो, तो अभी अगर आपका रेफरेंस जो है वो हमेशा नॉर्थ रहेगा और वहां से हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर कर रहे हैं ना किसी भी लाइन का,
वो होता है होल सर्कल बियरिंग सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पे हम होल सर्कल बियरिंग रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, हमेशा नॉर्थ से किसी भी लाइन का बियरिंग मेजर कर रहे हैं, जैसे यहां से मेजर कर लिया या नॉर्थ से इस वाले लाइन का ये मेजर कर लिया। तो ऑल दिस एंगल्स आर इन होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। तो यहां पे देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं हमेशा, रेफरेंस है मेरा हमेशा नॉर्थ, प्लस जो एंगल की वैल्यू हो सकती है या फिर बियरिंग की वैल्यू हो सकती है किसी भी लाइन की इन होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, वो जीरो के बराबर या उससे कम, सॉरी जीरो के बराबर या उससे ज्यादा, और 360 डिग्री से कम या उसके बराबर ये हो सकती है। मतलब जो रेंज होगा थीटा का होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में, जीरो लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री, ये होगी आपकी रेंज। थीटा जो होगा वो जीरो के बराबर या जीरो से अधिक होगा और 360 डिग्री के बराबर या उससे कम होगा, ये चीज है। ये WCB का सिस्टम होता है। एक होती है क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, आप वो समझ जाएंगे आगे चल के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आया, उसमें कन्वर्सन वगैरह सब कुछ मैंने समझा रखा आपको। अभी हमारा जो उद्देश्य है वो टू आर मैग्नेटिक बियरिंग को फाइंड आउट करना है ना, और डिक्लिनेशन के कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो देखिए आगे बढ़ता हूं, एक चीज ध्यान रखना, तो ये चीज समझ में आ गया ना, एक रेफरेंस है कोई, जैसे कि ये नॉर्थ साउथ रेफरेंस है मेरा, है ना, तो यहां से मैं किसी भी लाइन का एंगल मेजर करता हूं, तो इसी को हम बोलते हैं मेरिडियन। इसी को क्या बोलते हैं, मेरिडियन। अब ये मेरिडियन जो होती है ये दो तरह का होता है, एक होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन, और एक होता है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब देखो जैसा जैसा समझाते चल रहा हूं वैसे वैसे समझते चलना। ट्रू मेरिडियन हमेशा कांस्टेंट होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन हमेशा प्लेस टू प्लेस चेंज कर सकती है, ये चेंज होती है। क्यों चेंज होती है, देखिए अर्थ पे रियल टाइम आप जब वर्क करते हैं तो कहीं पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर सोलर रेडिएशन वगैरह है, इन सब चीजों के कारण अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होता है, और जो लोकल कंडीशन पे आप वर्क कर रहे हैं वहां पे जो आपका कंपास है हो सकता है वो ट्रू मेरिडियन को ना रिप्रेजेंट करके और ही कोई मेरिडियन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो जो मेरिडियन कंपास आपका रिप्रेजेंट करता है वो होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन इज रिप्रेजेंटेड बाई कंपास, जो भी कंपास को यूज करके हम सर्वे करते हैं, है ना, वो कंपास का नाम ही है देखिए मैग्नेटिक कंपास। ओके, जो कंपास है उसका नाम ही है मैग्नेटिक कंपास। तो वो जो मेरिडियन रिप्रेजेंट करेगा वो बेसिकली मैग्नेटिक मेरिडियन ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर जो एरिया में काम करे वहां पे ऐसे कोई पदार्थ है जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट कर रहा है, तब, अगर नहीं कर रहा है तो मैग्नेटिक मेरिडियन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, अगर है तो मैग्नेटिक मेरिडियन ये दिखाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसे केसेस में जो कंपास का नीडल है वो ट्रू मेरिडियन से अलाइंज नहीं होगा। मतलब ये मान लो कंपास का नीडल है और ये ट्रू मेरिडियन है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए, बट ऐसा कोई चीज है अर्थ के ऊपर जहां सर्वे कर रहे हो जिस कारण से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट हो गया, तो वहां पे कंपास का जो नीडल है वो थोड़ा सा डेविएट कर सकता है। तो ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है जो कंपास शो करता है और जो ट्रू मेरिडियन है जो कि हमेशा फिक्स रहता है, इनके बीच में कितना एंगल चेंज हुआ है उसी चेंज को हम कहते हैं डिक्लिनेशन। और ये डिक्लिनेशन दो तरह की हो, दो साइड में हो सकता है, एक है ये ईस्ट दूसरा है वेस्ट। देखो ये आपका नॉर्थ साउथ है, दिस इज योर नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अभी ऐसा हो सकता है कि जो आपका कंपास का मैग्नेटिक नीडल है वो ऐसा शो कर रहा है, कंपास का मैग्नेटिक नीडल का बात कर रहा हूं, वो अभी ये शो कर रहा है नॉर्थ और ये साउथ, ये शो कर रहा है साउथ। तो डिक्लिनेशन क्या है, ईस्ट के साइड में है, तो इसे हम बोलेंगे ईस्टर्न डिक्लिनेशन, ईस्टर्न डिक्लिनेशन। समझ में आ रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि कंपास का नीडल कुछ यू हो गया हो, इस तरह से डिफ्लेक्ट कर गया हो, लेट सपोज ये शो कर रहा है नॉर्थ और ये शो कर रहा है साउथ, तो डिक्लिनेशन किधर है, वेस्ट के साइड, तो इसे हम बोलेंगे वेस्टर्न डिक्लिनेशन। तो ईस्टर्न डिक्लिनेशन वेस्टर्न डिक्लिनेशन, समझ में आया। कंपास शो करता है मैग्नेटिक मेरिडियन, जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन लोकेशन टू लोकेशन चेंज हो सकती है, ट्रू मेरिडियन को ऑलवेज आपको फिक्स कंसिडर करते हुए चलना है एनालिसिस के वक्त। तो ये दो बातें आपको क्लियर हुई, अब आगे बात करते हैं ईस्टर्न डिक्लिनेशन क्या है, वेस्टर्न डिक्लिनेशन क्या है। अब एक चीज मेरे को ये भी बता दो आप, देखो किसी भी लाइन का जो बियरिंग होता है ना, जनरली हम ट्रू बियरिंग ही बताते हैं, किसी भी लाइन का बियरिंग को हम ट्रू बियरिंग ही बताते हैं। मतलब
हमेशा हम ट्रू मेरिडियन से उस लाइन का एंगल बताने का कोशिश करेंगे। तो ट्रू मेरिडियन से जो भी एंगल आपने बताया है दैट इज योर ट्रू बियरिंग। और अगर आपने मैग्नेटिक बियरिंग से सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन से किसी का भी एंगल बताया तो दैट इज योर मैग्नेटिक बियरिंग। ट्रू बियरिंग से एंगल बताया ट्रू बियरिंग, सॉरी ट्रू मेरिडियन से एंगल बताया ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल बताया मैग्नेटिक बियरिंग। ये क्लियर आपका? ठीक है, तो अब देखिए हम एक कंडीशन ले रहे हैं। देखिए दिस इज योर कंडीशन, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। ठीक है, ये डायरेक्शन क्लियर है। ये जो नॉर्थ साउथ मैंने यहां पे शो कर रखा है डायग्राम में, ये आपका ट्रू मेरिडियन है। ट्रू मेरिडियन हमेशा फिक्स्ड होता है, अभी अभी आपको बता रखा है। तो ये हमेशा ट्रू मेरिडियन इसी तरह से शो करना, ये हमेशा फिक्स है। लेट्स सपोज जो डिक्लिनेशन है, डिक्लिनेशन वो ईस्टर्न है, मतलब मैग्नेटिक निडिल जो है वो जो शो कर रहा है, आपका जो कंपास का निडिल जो है वो जो शो कर रहा है नॉर्थ, वो कुछ यू नॉर्थ साउथ ऐसे शो कर रहा है, नॉर्थ साउथ। समझ में आ रहा है? तो जो डिक्लिनेशन है वो कितना है, लेट्स सपोज दिस इज योर डिक्लिनेशन और इसको मैं बोलूंगा थीटा ई। तो ये जो डिक्लिनेशन है ये ईस्टर्न डिक्लिनेशन है, ईस्टर्न डिक्लिनेशन। समझ में आ रहा है? ईस्ट साइड में आपका मैग्नेटिक मेरिडियन झुक गया है, इसको हम बोलेंगे एमएम कह देता हूं, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब एक चीज और ध्यान रखो, नॉर्थ साउथ जो होगा उसके एकदम परपेंडिकुलर में होगा ईस्ट वेस्ट वाला लाइन। तो ट्रू मेरिडियन का नॉर्थ साउथ के परपेंडिकुलर में ट्रू मेरिडियन का ईस्ट वेस्ट। मैग्नेटिक मेरिडियन इस तरह से झुक गया है तो उसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक मेरिडियन का ईस्ट वेस्ट। तो मैग्नेटिक मेरिडियन का ईस्ट वेस्ट कैसे हो जाएगा, वो ऐसा दिख रहा होगा, ये होगा ईस्ट हो रहा होगा मैग्नेटिक मेरिडियन का और ये रहा होगा वेस्ट। अब मुझे ये बताओ, ये तो कंपास में तो ये ब्लू वाले लाइन शो कर रहे हैं है ना, लेकिन हमको जब भी हमको एंगल बतानी होती है बेसिकली वो ट्रू बियरिंग ही बतानी होती है, मतलब ट्रू मेरिडियन उसका वैल्यू कितना है। तो इसके लिए हमको डिक्लिनेशन का वैल्यू मालूम होना चाहिए है ना। अब देखिए, तो कंपास को यूज करके आपने किसी भी लाइन का बियरिंग मेजर किया। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं ये वाला लाइन यहां से ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन का नाम है ए, ओ ए, ये सेंटर पॉइंट को ओ ले लेता हूं, ओ ए लाइन है। इस ओ ए लाइन का आपने बियरिंग मेजर किया कंपास को यूज करके ऑन फील्ड। तो ये बियरिंग आपको कहां से बताया गया है, ये बियरिंग मैग्नेटिक मेरिडियन से आपने मेजर किया ना, ये वाला एंगल मेजर किया है मैग्नेटिक मेरिडियन से आपने बेसिकली मेजर किया है। तो ये जो बियरिंग है इस लाइन का अभी जो आपने मेजर किया फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन, इसी को बोलेंगे हम मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, इसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग बोलेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखिए, लेकिन हमको बताने क्या है, ट्रू बियरिंग, ट्रू बियरिंग किसकी, इसी पर्टिकुलर लाइन ओ ए की आपको बतानी है। तो आप क्या करोगे, यहीं पे मेरे को बता दो। ट्रू बियरिंग बताने के लिए हमने क्या बोला, जो ट्रू मेरिडियन है नॉर्थ वाला यहीं से आपको मेजर करना है। तो अगर मैग्नेटिक बियरिंग आपका थीटा ए, लेट्स सपोज ये जो एंगल का वैल्यू आपने मेजर किया है फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ ओ ए लाइन, लेट्स सपोज वो है आपका थीटा ए, तो आपको ट्रू बियरिंग बतानी है। तो आप क्या करोगे, आपको अगर ईस्टर्न डिक्लिनेशन मालूम है, ईस्टर्न डिक्लिनेशन अगर मालूम है और लेट्स सपोज उसका वैल्यू मैंने जैसे बोला थीटा ई, तो आप बोलोगे कि जो ट्रू बियरिंग है इस लाइन का वो है ईस्टर्न डिक्लिनेशन प्लस आपका मैग्नेटिक बियरिंग थीटा ए ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। तो देखिए ट्रू बियरिंग बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ईस्टर्न डिक्लिनेशन को ऐड कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव नेचर का है। समझ में आ रहा है? तो ये हमेशा ईस्टर्न डिक्लिनेशन इज पॉजिटिव इन नेचर, पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, अब ये आप ईस्टर्न डिक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट को समझ गए। अब हम वेस्टर्न डिक्लिनेशन के बारे में बात करते हैं। यहीं पे एक कंडीशन लेता हूं फिर से इसी जैसा, देखिए अब देखिए, दिस इज योर नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट। तो ये आपका ट्रू मेरिडियन है, ट्रू मेरिडियन हमेशा फिक्स, तो ये आपका ट्रू मेरिडियन। बट मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो क्या हो गया, वो कुछ ये है,
मतलब जो आपका मैग्नेटिक नीडल आपका नॉर्थ साउथ शो कर रहा है वो वेस्ट की तरफ थोड़ा झुक गया है, वेस्टर्न डिक्लिनेशन हुआ है लाइक दिस, ठीक है। दिस इज योर नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस इज योर मैग्नेटिक साउथ, तो इसके परपेंडिकुलर में इसका ईस्ट वेस्ट, ऐसा ईस्ट और वेस्ट। लाइक सपोज दिस इज योर वेस्टर्न डिक्लिनेशन जिसको हम बोल रहे हैं थीटा डब्लू, ठीक है। दिस इज योर वेस्टर्न डिक्लिनेशन, और ये जो लाल वाले मैंने बनाया ये क्या बनाया, एमएम मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये थीटा डब्ल्यू क्या आपका वेस्टर्न डिक्लिनेशन। इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, थीटा डब्ल्यू इक्वल टू वेस्टर्न डिक्लिनेशन, समझ जाइए बात को। ये डिक्लिनेशन वाले कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो बड़ा सिंपल टाइप से आपको बताया जा रहा है, तो समझ जाइए मैं एकदम करके दिखा दे रहा हूं, है ना। तो ये वेस्टर्न डिक्लिनेशन है। अभी लेट्स सपोज आपने किसी लाइन का बियरिंग मेजर किया, तो वो लाइन किधर ले लूं, कहां पे ले लूं। लेट्स सपोज वो लाइन मैंने ले लिया आपका यहां पर, यहां पे एक कोई लाइन है, एक मिनट रुक जाओ, यहां पे ये ग्रीन वाला देखो ये कोई लाइन है, और इस लाइन का नाम है सी ओ सी लाइन है ये। तो इसका जो बियरिंग मेजर किया, मान लो होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में हमने किया है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ से आपने जो मेजर किया है ये वाला बियरिंग मेजर किया है, ठीक है, थीटा सी। दिस इज योर मेजर्ड, क्योंकि आप कंपास को यूज कर रहे हो, कंपास मैग्नेटिक मेरिडियन शो कर रहा है, तो आपने मेजर किया ये वाला एंगल बियरिंग, ठीक है, जो कि है मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन विच इज नॉट करेक्ट। हमको करेक्ट करना है, क्यों, वहां पे हमको मालूम है वेस्टर्न डिक्लिनेशन है उस जगह पे, तो हमको ट्रू बियरिंग चाहिए। तो ट्रू बियरिंग क्या होगा, हमेशा फ्रॉम ट्रू मेरिडियन, मतलब एक मिनट लेट मी चेंज द कलर, जो ट्रू बियरिंग आपको चाहिए वो होगा ट्रू नॉर्थ से, यहां से इस लाइन का। तो ट्रू बियरिंग बताने के लिए आप क्या करोगे, इस लाइन का ट्रू बियरिंग ऑफ ओसी लाइन हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे जो भी आपका मैग्नेटिक बियरिंग है उसमें से हम घटा देंगे वेस्टर्न डिक्लिनेशन को, तो ये घटाया जा रहा है, मतलब नेगेटिव नेचर का ही है ना। तो वेस्टर्न डिक्लिनेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, ईस्टर्न डिक्लिनेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो अपना फॉर्मूला बना, मेन और बेसिक फॉर्मूला, अगर ईस्टर्न डिक्लिनेशन है और आपको मैग्नेटिक बियरिंग मालूम है थीटा ए और ईस्टर्न डिक्लिनेशन का वैल्यू मालूम है, ट्रू बियरिंग पूछा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। अगर वेस्टर्न डिक्लिनेशन है, आपको मैग्नेटिक बियरिंग मालूम है और वेस्टर्न डिक्लिनेशन मालूम है, तो ट्रू बियरिंग पूछा है, तो मैग्नेटिक बियरिंग से वेस्टर्न डिक्लिनेशन को घटा दीजिए। नेगेटिव नेचर पॉजिटिव नेचर, ये आपका बेसिक फॉर्मूला, और ये डायग्राम जो मैंने आपको बना के दिखाया, ठीक है, किस तरह से ये बियरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है डिक्लिनेशन का, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और एक कॉन्सेप्ट होती है डीप एंगल ऑफ डीप, ये डीप एंगल क्या होता है, देखो ये भी मैग्नेटिक कंपास से रिलेटेड है। बेसिकली होता क्या, आपको मालूम है जो अर्थ अर्थ है वो कैसा है, स्पेस में कैसा है, देखो स्पेस में ऐसा एक गेंद जैसा अर्थ है ऐसा लटका हुआ है ना, अर्थ ये बॉल जैसा, इसके सेंटर पे एक ऐसा लाइन है जो कि इक्वेटर कहलाता है, यहाँ पे नॉर्थ इधर साउथ, नॉर्थ साउथ से कनेक्ट करता हुआ मैग्नेटिक लाइन्स है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, समझिए बात को, ठीक है। तो होगा क्या, देखो तुम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा, ऐसा आपको लग रहा है ना, ऐसे नीचे से चढ़ता हुआ ऐसे ऊपर जा रहा फिर ऐसे हो रहा, समझ रहे बात को। तो यही चीज ये रिप्रेजेंट करता है आपका मैग्नेटिक कंपास। तो होगा क्या, इक्वेटर के पास, इक्वेटर के पास आप जब कंपास को यूज करोगे एट इक्वेटर, तो उसका जो मैग्नेटिक नीडल है वो एकदम हॉरिजेंटल रहेगी, एक हॉरिजेंटल प्लेन में ऐसा रहेगा, ऐसा एकदम हॉरिजेंटल प्लेन में एट इक्वेटर। बट आप जैसे ही नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे, तो वहां पे आप देखो जैसे नॉर्थ पोल में बढ़ गया, तो नॉर्थ पोल पे जो मैग्नेटिक लाइन्स हैं वो कैसा, ऐसे झुकते हुए जा रहे हैं क्या, ऐसे झुकते हुए जा रहे हैं ऊपर, ऐसे झुकते हुए जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड्स मैग्नेटिक लाइन्स नॉर्थ पोल पे ऐसे झुकते हुए जा रहा है। तो मान लो नॉर्थ पोल पे चला गया और वहां पे कंपास लेके खड़े हो, तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करेगा ना, मैग्नेटिक लाइंस को, तो वो भी अब हॉराइजेंटल नहीं रहेगी, झुक जाएगी। तो ये हॉराइजेंटल से ये कितना झुकी है, इस एंगल को एंगल ऑफ डिप बोला जाता है।
एंगल ऑफ डिप बोला जाता है। तो ये जो एंगल ऑफ डिप है ये पोल पे 90 डिग्री होता है, मतलब पोल पे एकदम ऐसा हो जाएगा मैग्नेटिक नीडल, समझ में आ रहा है, इक्वेटर पे एकदम हॉरिजॉन्टल रहेगी, इक्वेटर पे जीरो और पोल्स पे एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री, डिक्लिनेशन एंड डिप, समझ में आया आपको, दो अलग अलग बातें, ठीक है, बड़ा सिंपल सी चीज चीज है ये जो बताया मैंने आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, 5-10 क्वेश्चन तो इसी पर है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आप समझ जाओगे। मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 44 degrees 30 minutes, व्हाट इज ट्रू बियरिंग इफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज इतना डिग्री ईस्ट, तो 44 degrees 6 degrees 50 degrees 30 minutes 30 minutes 1 degree, 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, तो ये 51 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। कैलकुलेटर कुछ जरूरत नहीं है, मुंह जवानी है ना, बस कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। यही वेस्टर्न होता तो इसमें घटा देते, ये ईस्टर्न है इसलिए हमने जोड़ दिया, समझ गए, ट्रू बियरिंग अपना निकल गया, अंदर डायग्राम वही सब चल रहा है। ओके, यही होती है कॉन्सेप्ट, एक बार समझ चुके हैं आप तो उसके बाद फटाक से आंसर, नहीं तो दिमाग लगाते रह जाओगे, याद करोगे तो चीजों को, जो कि हम नहीं करवाते। ओके, चलिए आगे बात करते, आगे बात करते हैं। ये भी डीप एंगल बताई दिया था, इस पर भी 10-15 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, और यही दो बातें पूछी जाती है, यही चीज है, इसी में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मालूम नहीं होता है, विजुअलाइजेशन नहीं होती है, जिस कारण से दिक्कत आती है। अभी आपको विजुअलाइज हो गई है, जैसे कि एक बार फिर से बता देता हूँ, ये आपका अर्थ, ये तो क्या रे, गोल नहीं हुआ रे, कह रहे ये आपका अर्थ, अब देखिए ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये इक्वेटर है इधर बीच में, ये इक्वेटर नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं समझ जाने का। तो मैग्नेटिक लाइंस जो हैं ये इस तरह से है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, तो इक्वेटर के पास फ्लैट है, बट जैसे नॉर्थ या साउथ पोल पे जा रहे हो तो एकदम वर्टिकल हो जाता है, एकदम वर्टिकल हो जाता है, समझ में आ रहा है, एकदम वर्टिकल हो जाता है, नॉर्थ पोल पे ऐसा, साउथ पोल पे ऐसे नीचे आ रहा है, देखो पूरे में है ना, पूरे अर्थ में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेटर पे एकदम फ्लैट है, इक्वेटर पे ऐसे फ्लैट है ना, इक्वेटर फ्लैट उधर, फिर और वर्टिकल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या है, जब आप कंपास का यूज करेंगे तो कंपास का जो नीडल है इक्वेटर पे तो ऐसे एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा और रहते हुए नॉर्थ साउथ शो कर रहा होगा, बट जब आप वहां पे चले जाएंगे पोल्स के पास तो नॉर्थ साउथ तो वो शो कर ही रहा होगा, बट जो ये नीडल है ये ऐसे हो जाएगी, है ना, तो डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट जगहों पे, तो ये तो पोल्स पे तो 90 डिग्री पे हो जाती है, वहां पे एक्सटेंट उतना है क्योंकि वहां पे एकदम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से एकदम वर्टिकली झुक रही है, तो इसलिए नीडल भी आपका उस तरह से वर्टिकल हो जाता है, तो 90 डिग्री पोल्स पे आपको दिख रहा है, इक्वेटर पे जीरो, बट उनमें से बीच में, इक्वेटर और पोल के बीच में वहां पर भी वेरिएशन होगा कुछ ना कुछ, वहां पे हो सकता है पूरा 90 डिग्री ना हो गए, थोड़ा सा बट ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से थोड़ा सा, तो अलग अलग लोकेशन पे डीप एंगल अलग अलग होगा, अलग अलग लोकेशन पे डीप एंगल अलग अलग होगा, और इन डीप इक्वल डीप वाले पॉइंट को, जैसे अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग डीप एंगल है और जहां पर सेम सेम डीप है उन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए एक लाइन, इमेजिनरी लाइन अगर ड्रॉ किया जाए उस लाइन को आइसोक्लिनिक लाइन कहा जाता है, समझ आ रहा है। तो दो तरह का लाइन भी यहां पे आपने डिस्कस कर लिया, एक है आइसोक्लिनिक लाइन जो मैंने आपको अभी समझा दिया कि लाइन ज्वाइनिंग इक्वल डीप एंगल पॉइंट्स, इमेजिनरी है ये सारे, और एक लाइन होता है एक्लिनिक लाइन, वो बेसिकली इक्वेटर के आसपास ही होगा क्योंकि ऐसे पॉइंट्स जहां पे जीरो डीप एंगल है उनको अगर कनेक्ट करता हुआ कोई लाइन है तो उसे हम एक्लिनिक लाइन बोलते हैं, समझ गए बात को। तो ये डीप का कॉन्सेप्ट है और इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, नथिंग। अब देखिए नया क्वेश्चन है, इफ फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू इतना, देन व्हाट विल बी फोर बियरिंग ऑफ लाइन बी ए, ए बी लाइन का फोर बियरिंग इतना है तो बी ए लाइन का फोर बियरिंग क्या होगा। फोर बियरिंग बैक बियरिंग का कॉन्सेप्ट है, पहले इसको समझ लेते हैं ये क्या है। इट इज नथिंग बट जैसे फोर साइड एंड बैक साइड लेते हो सेम वही चीज है, तो यहाँ पे हम एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इन डायरेक्शन ऑफ सर्वे, इन डायरेक्शन ऑफ सर्वे किसी भी लाइन का जो एंगल आप मेजर कर रहे हो, इन डायरेक्शन ऑफ सर्वे मतलब मान लो सर्वे का डायरेक्शन आपका इधर से इधर, तो इधर से इधर, तो यहाँ पे जो ये लाइन है, लेट्स सपोज इसी लाइन को ले लेते हैं, ये लाइन आपका ए बी लाइन,
तो आपका डायरेक्शन ऑफ सर्वे क्या है, लाइक दिस, कि आप ए से बी की तरफ जाओगे। तो मैं यहाँ पे आपको देखो, हमेशा जो बियरिंग मेजर करेंगे हम कहाँ से मेजर करेंगे, अभी आपको बताया था मैंने, बेसिकली हमको चाहिए होती है ट्रू बियरिंग्स, ठीक है। तो ट्रू बियरिंग हमको बेसिकली चाहिए होती है, तो यहाँ पे कोई बात नहीं, आप कंपास यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल मान के चल रहे हैं कि अपना ये ट्रू बियरिंग ही है ना, या फिर कुछ कुछ भी मान लो यार, बियरिंग है। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, तो डायरेक्शन ऑफ सर्वे मेरा ए से बी की तरफ है, तो मैं एंगल मेजर किया नॉर्थ से ये, तो ये बोलूंगा मैं थीटा ए, थीटा ए बी एंगल बोलूंगा। तो ये जो थीटा ए बी एंगल है, इस एंगल को मैं कहूंगा फोर बियरिंग। कंपास मेरा किधर है, कंपास पॉइंट ए पे था, फोर बियरिंग मेजर कर लिया, डिस्टेंस पॉइंट बी जो है उसको स्टेशन मार्क कर दिया, डिस्टेंस भी मेजर कर लिया, फिर मैं पॉइंट बी पे गया, पॉइंट बी पे जाके फिर कंपास को सेट करूंगा वहां पे। वहां पे सेट करने के बाद फिर मेरा जो काम होता है वो क्या होता है, ये जैसे नॉर्थ है, ठीक है, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। तो नॉर्थ यहाँ पे पॉइंट बी पे फिर कंपास को सेट करने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें बैक बियरिंग लेनी होती है। तो अगेन नॉर्थ मेरा रेफरेंस है, डब्ल्यूसीबी सिस्टम में बात कर रहा हूँ, नॉर्थ मेरा रेफरेंस है, तो यहां से फिर इस लाइन का ये एंगल मेजर करूंगा। लेट्स सपोज इस एंगल को मैंने बोला थीटा बी ए, तो ये जो थीटा बी ए एंगल है इसे मैं बोलूंगा बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, समझ में आ रहा है, फोर बियरिंग बैक बियरिंग, फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, मतलब इन डायरेक्शन ऑफ सर्वे किसी लाइन का एंगल मेजर कर रहे हैं तो दैट इज योर फोर बियरिंग, एंड उसी लाइन का एंगल इन रिवर्स डायरेक्शन ऑफ सर्वे आपने मेजर किया तो दैट इज योर बैक बियरिंग, क्योंकि पॉइंट बी से हमको फिर आगे कम सर्वे करना है, बट हमने पॉइंट बी पे जाके जब कंपास को सेट किया फिर हम चेक करने के लिए कि मेरा जो इंस्ट्रूमेंट लोकेशन वगैरह है उसका ओरिएंटेशन वगैरह सही है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हम बैक बियरिंग को भी लेते हैं, समझ में आ रहा है। बेसिकली एक कंपास का ओरिएंटेशन को चेक करने के लिए हम बैक बियरिंग का भी कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपका फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन इन डायरेक्शन ऑफ सर्वे, इन रिवर्स डायरेक्शन ऑफ सर्वे, समझ में आ रहा है। दूसरा चीज यहाँ पे देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को ही पढ़ो, फोर बियरिंग बैक बियरिंग तो समझ ही गई, क्वेश्चन को पढ़ो। फोर बियरिंग किसी लाइन का है आपका इतना 40 डिग्री 15 मिनट। अब देखिए 40 डिग्री 15 मिनट कब बनेगा, देखो मैं क्वाड्रेंट सिस्टम आपको समझा रहा हूं, एक मिनट एक मिनट, एक ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ठीक है। तो अभी ये चीज देखो, यहां पे कोई एक लाइन है ना, तो इस लाइन का एंगल बन सकता है फोर बियरिंग जब लोगे तो 40 डिग्री 15 मिनट, क्योंकि ये आपका जीरो है, मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है, ये आपका 270 डिग्री है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कोई लाइन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका जो बियरिंग होगा वो 0 से 90 के बीच में लाई करेगा, कोई लाइन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका जो बियरिंग होगा वो 90 से 180 के बीच में लाई करेगा, कोई लाइन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका जो बियरिंग है फ्रॉम नॉर्थ वो 180 से 270 के बीच में होगा, कोई लाइन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में इस तरह से तो उसका जो बियरिंग होगा फ्रॉम नॉर्थ जो मेजर करोगे वो 270 से ज्यादा, 360 से कम या उसके बराबर हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो ये आपको ये चीज ये क्लियर होगी यहाँ पे। तो अभी देखिए, तो ये जो लाइन है, लेट्स सपोज दिस इज योर ए बी लाइन, ये बात कर रहा था ए बी लाइन, तो इसका फोर बियरिंग कितना है, ए बी लाइन का फोर बियरिंग बोला है कि ये है आपका 40 डिग्री 15 मिनट। देन व्हाट विल बी द फोर बियरिंग ऑफ बी ए लाइन, देखिए मैंने थोड़ा साफ सुथरा डायग्राम बना दिया, ये ए बी लाइन, ए बी लाइन का फोर बियरिंग आपको मालूम है, फोर बियरिंग यहाँ पे दिया है, डायरेक्शन ऑफ सर्वे आपका ये है, आप ए से बी की तरफ चल रहे हो, तो डायरेक्शन ऑफ सर्वे के अलोंग आपने एक एंगल मेजर किया और उसका वैल्यू आपको बताया गया 40 डिग्री 15 मिनट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बी ए लाइन का फोर बियरिंग क्या है, इसका एफ बी क्या है, इसका मतलब क्या है, वो बात ये कह रहा है कि आप पॉइंट बी पे जाइए और आपका डायरेक्शन ऑफ सर्वे चेंज हो गया है, मतलब आप डायरेक्शन ऑफ सर्वे इधर कर रहे हैं,
तो इन डायरेक्शन ऑफ सर्वे अगेन जो मैं एंगल मेजर करूंगा वो क्या होगा मेरा फोर बियरिंग। तो फोर बियरिंग किस किसका पूछ रहा है, बी ए लाइन का। तो ये कौन सा एंगल होगा मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये जो एंगल होगी ये नॉर्थ से ये वाला एंगल होगा, दिस पर्टिकुलर एंगल। लेट्स सपोज इसको मैं बोल रहा हूं थीटा बी ए। तो ये जो थीटा बी है बी ए है, दिस इज द फोर बियरिंग ऑफ बी ए लाइन। और यही थीटा बी ए क्या होगा, इसी को हम कह सकते हैं इट इज बैक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन। अगर जब हम मैं बोल रहा हूं कि इट इज बैक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन, मतलब मेरा डायरेक्शन ऑफ सर्वे ए से बी की तरफ है। और जब मैं बोल रहा हूं कि यही थीटा बी ए मेरा क्या है, फोर बियरिंग है किसका, बी ए लाइन का, मतलब डायरेक्शन ऑफ सर्वे बी से ए की तरफ है। समझ गए ना, कहना यही है कि डायरेक्शन ऑफ सर्वे पर बेस्ड ये फोर बियरिंग बैक बियरिंग की टर्म चेंज हो जाती है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो एक ही एंगल है लेकिन उसका नाम अलग अलग मैंने बोल दिया बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ सर्वे। तो इसका वैल्यू आपको बतानी है, कैसे बताओगे, आपको एक ही वैल्यू मालूम है 40 डिग्री 15 मिनट। तो देखो ये जो 40, सिंपल सी बात है, ये 40 डिग्री 15 मिनट है, आपको एंगल दिया हुआ है। तो इसी लाइन को विजुअलाइज करिए, थोड़ा सा ऐसे पीछे एक्सटेंड कर देंगे तो क्या ये अल्टरनेट एंगल नहीं हो जाएगा, मतलब ये एंगल भी तो सेम होगी ना, वही 40 डिग्री 15 मिनट। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर ये वाला जो एंगल है, ये वाला पोर्शन यहाँ, ये एंगल का वैल्यू सेम होगा, वही 40 डिग्री 15 मिनट। तो आपको बतानी क्या है, नॉर्थ से बतानी है इसका। तो क्या लिखूंगा, 40 डिग्री 15 मिनट, तो आपको साउथ से यहां तक का एंगल मिल गया, बचा कितना, ये 180 डिग्री, तो +180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, जोड़ दो, 180 में 40 जोड़ दोगे कि कितना डिग्री हो जाएगा, 220 डिग्री, 220 डिग्री। 15 मिनट जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, 15 मिनट। तो आंसर क्या हो जाएगी, 220 डिग्री 15 मिनट, सिंपल। तो ये आपका फोर बियरिंग बैक बियरिंग का कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। समझ गए, जो डिस्कशन है उस पर ध्यान दीजिए, जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। इन डायरेक्शन ऑफ सर्वे किसी भी लाइन का एंगल मेजर किया जाए, फोर बियरिंग, उसके रिवर्स में बैक बियरिंग। ओके, बस यही चीज होता है। चलिए इसके कंसेप्ट को यहीं पे और भी कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ कुछ टर्म है, देखिए मैं आपको कुछ चेक बता रहा हूं। पहला चेक हमेशा आपको ध्यान रखना है, पहला हमेशा ये क्या कर रहे हैं, हम ये जो सर्वे कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, इट इज बेसिकली कंपास ट्रेवर्स। कंपास को यूज करके हम ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं। मैंने आपको लीनियर मेजरमेंट वाले टॉपिक में जो सर्वे का बेसिक वाला क्लास था, पहला वाला क्लास जो हमने लिया था, उसमें ट्रेवर्स का मतलब क्या था, मैंने आपको समझा रखा है। ट्रेवर्स मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को जब हम लोकेट करेंगे तो हमारे पास दो रेफरेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो दो रेफरेंस है, एक तो है क्या एंगल का वैल्यू, दूसरा क्या है हम ए से बी का लेंथ को मेजर कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर दो रेफरेंस आपका एक एंगल एक लेंथ होगा, तो इस तरह से जो सर्वे आप करते चल रहे हैं इसको हम बोलते हैं ट्रेवर्सिंग। तो यहाँ पे कंपास को यूज करके एंगल मेजर कर रहा है, और चेन वगैरह या टेप वगैरह को यूज करके लेंथ मेजर कर रहे होंगे ए और बी पॉइंट के बीच का। तो इस तरह के सर्वे को हम बोलते हैं कंपास ट्रेवर्सिंग। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है बेसिक सा, कंपास ट्रेवर्सिंग करते वक्त क्या चेन या टेप का यूज किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, ट्रेवर्सिंग का मतलब ये कि लेंथ का मेजरमेंट, और लेंथ का जो मेजरमेंट होगा वो हम चेन या टेप को यूज करके ही करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे किसी भी लाइन का हम सर्वे कर रहे हैं तो हम उस लाइन का फोर बियरिंग मेजर करते हैं, बैक बियरिंग को भी मेजर करते हैं हमेशा। तो फोर बियरिंग एक ही पर्टिकुलर लाइन का हम बात कर रहे हैं, उसी लाइन का फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो इट मस्ट बी ऑलवेज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे यहीं पर इसी वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, फोर बियरिंग था 40 डिग्री 15 मिनट और बैक बियरिंग आया कितना, इतना 220 डिग्री 15 मिनट, डिफरेंस लीजिए 180 आ जाएगा। इट इज ऑलवेज ट्रू। अगर इफ दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, मतलब अगर ऐसा नहीं होता, दैट इज फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री फॉर ए पर्टिकुलर लाइन, इसका मतलब हम क्या समझेंगे, इट मींस कि आपका जो मेजरमेंट आपने लिया है उसमें किसी तरह का एरर है, गलत रीडिंग ले लिया होगा, एरर है कहने का मतलब। अब ये जो एरर है ये अलग अलग
कारणों से हो सकता है, हो सकता है कि आपका जो कंपास है वही बेकार, वही खराब, इंस्ट्रूमेंटल एरर, रीडिंग लेने में आपने गलती कर दिया, ह्यूमन एरर, या फिर नेचुरल एरर। नेचुरल एरर इंपॉर्टेंट है। ये जो नेचुरल एरर होती है उसको हम बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन कहने का मतलब है, जैसा मैंने आपको पहले बता रखा था, इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कोई ऐसी जगह पे सर्वे करो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को इंटरफेयर करेगा, जिस कारण से आपका जो रीडिंग, आपका नीडिल, मैग्नेटिक कंपास का जो नीडिल है हमेशा, तो आप ऑब्जर्वेशन ढंग से नहीं ले पाओगे, तो एरर इंट्रोड्यूस हो जाती है उसमें। समझ आ रहा है? तो दैट इज योर लोकल अट्रैक्शन, नेचुरल एरर है वो। समझ गया? वो क्या है? नेचुरल एरर। तो नेचुरल एरर भी जब होगा तब भी आपका ये फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग का वैल्यू 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर लोकल अट्रैक्शन है तो जब कंपास सर्वे कर रहा है, कंपास ट्रेवर्सिंग किया जा रहा है, तब किसी भी लाइन का एफ बी माइनस बैक बियरिंग विल बी इक्वल टू 180 डिग्री और नॉट, तो नॉट। समझ गए? तो ये लिखवा देता हूं, ठीक है। इफ नॉट ट्रू, दैट इज फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, इट मीन्स देर इज एरर इन मेजरमेंट। अब ये एरर तीन प्रकार के हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ह्यूमन एरर, या नेचुरल एरर, जिसको हम लोकल अट्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही कंडीशन में ये जो रिलेशनशिप है ये वैलिड नहीं रहेगा, ओके। अब चलिए, अब आपको मैं और कुछ दो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बताता हूँ जो कि आपके काम का है, बहुत ज्यादा काम का है। देखिए, पहला, इफ फोर बियरिंग, किसी भी लाइन का फोर बियरिंग जो है, देखो, इफ फोर बियरिंग ऑफ एनी लाइन, किसी भी लाइन का आपने सर्वे किया और किसी भी लाइन का फोर बियरिंग 180 से ज्यादा आ रहा है, तो उसका बैक बियरिंग पूछ रहा है। सेम लाइन का बैक बियरिंग अगर आपसे पूछे, तो उस लाइन का जो बैक बियरिंग होगा, आपको निकालने के लिए बस क्या अप्लाई करना है, जो भी आपने फोर बियरिंग लिखा है उसमें से आप 180 को घटा दीजिए, बैक बियरिंग निकल जाएगी। और किसी भी लाइन का फोर बियरिंग 180 डिग्री से कम है, क्वेश्चन में देखिएगा कितना वैल्यू दिया है, और बैक बियरिंग अगर आपसे पूछा है, तो आप उसका बैक बियरिंग निकालने के लिए क्या करिए, जो भी फोर बियरिंग दिया है उसमें 180 डिग्री जोड़ दीजिए, जो कि हमने अभी अप्लाई किया था यही वाले क्वेश्चन में जोड़ दिया था, है ना। तो ये क्यों, उसका बैक फोर बियरिंग देखो कितना दिया था लाइन का, 40 डिग्री 15 मिनट, तो बहुत कम थी, 180 डिग्री से कम थी, इसलिए हमने 180 डिग्री उसमें जोड़ दिया। ये कैसे हो रहा है एक बार बता दूं, फोटो दिखा के देखो, फोटो बना देते हैं। ये वाला क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट तो समझ ही गया फोर कैसे हुआ। मान लो ये ग्रेटर देन 180 वाला मैं समझा देता हूं, देखो, देखिए, लेट सपोज ये आपका क्या है, नॉर्थ, ये आपका साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कोई एक लाइन है ना। अब हम कौन सा कंडीशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका फोर बियरिंग ग्रेटर देन 180 डिग्री हो, डायरेक्शन ऑफ सर्वे मेरा इधर है, इस तरफ। तो फोर बियरिंग ग्रेटर देन 180 डिग्री किसी लाइन का कब होगा, जब आपका लाइन जो है वो, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वो फोर्थ, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तब उस लाइन का फोर बियरिंग इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। कहने का मतलब वो लाइन ऐसा हो या फिर वो लाइन ऐसा हो और डायरेक्शन ऑफ सर्वे आपका ऐसा हो। लेट सपोज ये कोई ए बी लाइन है, ये ए और ये बी लाइन है ना, हम इस लाइन का ही बात कर लेते हैं। तो ये ए बी लाइन है, तो इस ए बी लाइन का देखो फोर बियरिंग कहाँ से, नॉर्थ से मेजर करोगे यहां तक ये एंगल, तो इस ए बी लाइन का जो फोर बियरिंग है, एफ बी ऑफ दिस ए बी लाइन इज ग्रेटर देन 180 डिग्री की नहीं। देखिए ढंग से, देखिए अच्छे से, देखो इंतजार करके देखो, 180 डिग्री से ज्यादा है। अब इसका पूछा है, इसी ए बी लाइन का मैं बैक बियरिंग बोलूंगा आपसे, तो आप क्या क्या बोलोगे, पॉइंट बी पे जाओगे और यहां पर नॉर्थ साउथ बनाओगे, फिर ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। अब इसका आपको बैक बियरिंग मैंने आपसे पूछ लिया है, तो आप बोलोगे कि बैक बियरिंग होगा, इस ए बी लाइन का बैक बियरिंग होगा ये वाला वैल्यू, दिस एंगल। तो ये जो बैक बियरिंग है, बैक बियरिंग ऑफ ए बी, किसका, ए बी लाइन का, है ना। तो ये कितना आ रहा है, आपको दिख ही रहा है, 180 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री से भी कम है, मतलब 180 से कम है ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से अब ये कैसे निकालेंगे, बस आप डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस निकाल लेंगे इन दोनों का, मतलब जो भी फोर बियरिंग दिया है उसमें से आप 180 डिग्री घटा दो, आपको बैक बियरिंग निकल जाएगा, समझे। जो भी आपको फोर बियरिंग दिया है उसमें से आप 180 डिग्री घटा देंगे, तो आपको बैक बियरिंग मिल जाएगा उस पर्टिकुलर लाइन का, ठीक है।
तो इस तरह से ये सर्वे किया जाता है, देखा जाता है। ओके, ये सब चीजें ध्यान रखना भाई, इस ड्राइंग जो मैं बना रहा हूँ वो ध्यान रखना। जैसे ये वाला का, इसका ड्राइंग बना लेते हैं, किसका? अगर आपका लाइन जो था वो फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट हो रही थी, आपका लाइन किधर से स्टार्ट हो रहा है? ये लाइन स्टार्ट हो रहा है यहां से, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट से। तो ये मान लो पॉइंट ए है, तो पॉइंट बी पर वो किस क्वाड्रेंट में होगा? पॉइंट बी पे वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी, समझ में आ रहा है? पॉइंट बी पे वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही होगी। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ। फोर्थ से आपका लाइन ओरिजिन हुआ, तो ये स्टेशन बी है, तो स्टेशन बी पे वो सेकेंड क्वाड्रेंट में वो लाइन लाई कर रही है कि नहीं? ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। इस तरह से आपको लाइन ट्रेवर्स का लाइन बनाते रहना, नॉर्थ साउथ बनाते रहना और चलते रहना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ थ्योरी क्लासेस में और ज्यादा डिटेल में आपने पढ़ रखा होगा, ये बस मैंने एक क्विक रिविजन, एक आइडिया देने के लिए बताया है। चलिए आगे बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, डीप ऑफ मैग्नेटिक नीडल एट इक्वेटर एंड पोल इज रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली जब बोल दे तब आपको ध्यान रखना है कि पहले जो बोला गया है उसका आंसर, बाद में फिर जो बोला गया है उसका आंसर। इक्वेटर पे 0 डिग्री, पोल पे 90 डिग्री, ये पूरा का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा रखा है पहले से, इसमें और कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं जी, डिक्लिनेशन, ए डिक्लिनेशन ऑफ 3 डिग्री ईस्ट, कहने का मतलब है ये आपका ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ है ना, ट्रू मेरिडियन। अभी बोल रहा है डिक्लिनेशन ऑफ 3 डिग्री ईस्ट, मतलब मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ साउथ कितना? ये ईस्ट है, तो 3 डिग्री ईस्ट की तरफ आ गया है। दिस इज योर डिक्लिनेशन, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज साउथ ऑफ योर मैग्नेटिक नीडल। तो इसका मतलब क्या है ये पूछ रहा है। ईस्ट मीन्स क्या मतलब है? जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ कहने का मतलब ये आपको मैग्नेटिक नीडल जो शो कर रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये आपका ट्रू मेरिडियन है ना। तो जो मैग्नेटिक नॉर्थ है इज वेस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ, पागल हो गया, ये वेस्ट इधर है, वो तो ईस्ट की तरफ है भाई, स्टेटमेंट गलत। ट्रू नॉर्थ, जो ट्रू नॉर्थ है इज 3 डिग्री ईस्ट ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ। अरे यार कहाँ, क्या बोल रहा है? ट्रू नॉर्थ इज 3 डिग्री ईस्ट ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ यहां है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक मेरिडियन का ईस्ट साउथ बनाओ, ये मैग्नेटिक मेरिडियन का ईस्ट साउथ, ऐसा ये ईस्ट ये वेस्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो ट्रू मेरिडियन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन का जो ईस्ट है वहां से 3 डिग्री पे है। अरे नहीं ना भाई, वहां से कितने डिग्री पे है? 93 डिग्री पे है, 93 डिग्री पे है। क्यों? ये देखो ये 90 डिग्री प्लस ये 3 डिग्री, 90 प्लस 3 93 डिग्री, इसका भी आंसर हो गया। सेकंड का आंसर क्या? अगर ये आंसर पूछता तो ये 93 डिग्री पे होता। नेक्स्ट, जो ट्रू साउथ है, जो ट्रू साउथ है इज 3 डिग्री ईस्ट ऑफ मैग्नेटिक साउथ, 3 डिग्री ईस्ट ऑफ मैग्नेटिक साउथ। नहीं, ये भी गलत है। ये देखिए, ये आपका ट्रू साउथ है, दिस इज योर ट्रू साउथ TS, दिस इज योर मैग्नेटिक साउथ। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ये है ना कि जो मैग्नेटिक साउथ है वो ट्रू साउथ से, ये अगर 3 डिग्री, ऑब्वियसली ये भी आपका 3 डिग्री होगा, डेफिनेट सी बात है, बट जो आपका मैग्नेटिक साउथ है वो कहां पर लाई कर रहा है? ट्रू साउथ से 3 डिग्री वेस्ट की तरफ है, वो रिलेशनशिप आपका सही है। हम इस तरह से इसको नहीं पढ़ते, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है कि 3 डिग्री ईस्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये MN मैग्नेटिक नॉर्थ, जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ट्रू नॉर्थ के 3 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ इज 3 डिग्री ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका बेसिक मतलब हम ये पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन ये पूछा था कि इसको बेसिकली हम पढ़ते कैसे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरह से आपको वेस्टर्न डिक्लेरेशन के ऊपर स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, तो आपको बता रखा है। कैलकुलेशन भी उसका बता रखा है, ईस्टर्न डिक्लिनेशन पॉजिटिव होती है, वेस्टर्न डिक्लिनेशन नेगेटिव होती है। हमको हमेशा ट्रू बियरिंग बताना है। अगर ईस्टर्न डिक्लिनेशन है तो मान लो थीटा ई है और मैग्नेटिक बियरिंग किसी लाइन का है MB, तो ये होगा TB, ट्रू बियरिंग। और मैग्नेटिक बियरिंग माइनस वेस्टर्न डिक्लिनेशन थीटा W, ये होगा ट्रू बियरिंग। तो ईस्टर्न डिक्लिनेशन पॉजिटिव, वेस्टर्न डिक्लिनेशन नेगेटिव, बस ध्यान रखने का हो गया सारा क्वेश्चन सॉल्व है ना। और जब भी किसी लाइन का बियरिंग बताएंगे वो हमेशा हम ट्रू बियरिंग से, सॉरी, जब भी किसी लाइन का हम बियरिंग बताएंगे वो हमेशा हम ट्रू मेरिडियन से,
बताने का कोशिश करेंगे, बट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैग्नेटिक बियरिंग पूछा है ना ट्रू बियरिंग पूछा है। मैग्नेटिक बियरिंग पूछा है तो मैग्नेटिक मेरिडियन है ना, वहां से पूछा है बियरिंग। ट्रू बियरिंग पूछा है तो वो ट्रू मेरिडियन से पूछा है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया कि वो मैग्नेटिक बियरिंग है या ट्रू बियरिंग है, तो आपको क्या समझना है, वो ट्रू बियरिंग है। कंपास जो है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन को ही रिप्रेजेंट करेगा। और जब लोकेलिटी में जहां पर सर्वे कर रहे हो किसी भी तरह का एरर नहीं है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन एक ही होगा। और एरर वगैरह है जैसे लोकल अट्रैक्शन वगैरह का हम लोग बात किए, तो ऐसे कंडीशंस में ये एक नहीं होता है ना, चेंज हो जाती है थोड़ा मोड़ा। ओके, तो यही है वो डिक्लिनेशन की बात। एनी टाइम फर्दर, दी ग्रेजुएशन मार्क्ड इन सर्वेयर कंपास वेरी फ्रॉम कहां से कहां तक, तो ये होता है 0 to 90 डिग्री। ग्रेजुएशन मतलब समझ रहे हैं ना, एक कंपास होती है, ये किस चीज का कंपास का बात कर रहा है, मैग्नेटिक कंपास। ये कंपास का काम क्या है, एंगल का मेजरमेंट। एंगल का मेजरमेंट ये कैसे करता है, देखिए हमारा जो अर्थ है ना, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ पे आपको इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, समझ रहे हैं, ऐसा। दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे अर्थ के सरफेस पे बना हुआ है। तो एक तरफ ये नॉर्थ शो करता है जिसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, एक तरफ ये साउथ पोल मेरिडियन, दूसरा होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैं अभी आगे चल के बताऊंगा वहां उस इस कॉन्सेप्ट पर भी बेस्ड आगे चल के क्वेश्चन आए हुए हैं, बट अभी आपको समझने वाला। जो मैग्नेटिक कंपास होती है उसमें होती क्या है, एंगल्स एंगल्स की रीडिंग दिए गए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका सर्वेयर कंपास एक तरह का कंपास है जिसमें 0 to 90 डिग्री का एंगल दिया जाता है, और एक कंपास होता है प्रिज्मेटिक कंपास जिसमें 0 to 360 डिग्री का एंगल दिया जाता है। मतलब आपका यहाँ पे 0 होगा, फिर इधर आपका 90 डिग्री होगा, फिर इधर आपका 180 डिग्री होगा, ओके, फिर इधर आपका 270 डिग्री होगा, ऐसा। तो ध्यान दीजिए, 0 किधर है, साउथ में है, और नॉर्थ में आपका 180 डिग्री होता है ना, और आपका वेस्ट में 90 डिग्री है, ईस्ट में 270 डिग्री है। तो ये चीज भी पूछ सकते हैं, ये ऐसा ही रहता है, समझ गए बात को, ये ऐसा ही रहता है। और जो सर्वेयर कंपास है, ये दूसरा कंपास है, इस कंपास को बोलते हैं प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास, ठीक है। एक पॉइंट तो प्रिज्मेटिक कंपास का यही क्लियर हो गया। और एक जो कंपास होती है जिसको यहाँ पे, जिसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है, सर्वेयर कंपास, उसमें जो ग्रेजुएशन होते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए ये नॉर्थ, ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला क्या है, साउथ होगा आपका, इधर वाला क्या होगा, वेस्ट होगा, इधर वाला क्या होगा, ईस्ट होगा। तो ध्यान रखिए, नॉर्थ और साउथ पे रीडिंग जो होती है वो 0-0 होती है। नॉर्थ और साउथ पे रीडिंग होती है 0-0, ईस्ट और वेस्ट पे जो रीडिंग होती है 90-90 की होती है, ठीक है। तो यहां पर सवाल आपसे यहीं से पूछा है, क्या पूछा है कि द ग्रेजुएशन मार्क्ड इन सर्वेयर कंपास वेरीज फ्रॉम वेयर टू वेयर। तो आपको यहाँ पे दिख गया ना, इट इज वेरीज फ्रॉम व्हाट, इट वेरीज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। एंड जो आपका ये वाला कंपास है प्रिज्मेटिक कंपास, इसमें 0 to 360 डिग्री फुल सर्कल, और यहाँ पे 0 to 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे फुल सर्कल वेरी कर रहा है ग्रेजुएशन से, रीडिंग 0 to 360 डिग्री, समझ में आ रहा है। तो ये तो रीडिंग ग्रेजुएशन का बात हुआ। अब ये होता क्या है बेसिकली, देखिए मैं थोड़ा सा और इसके ऊपर बेसिक बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा इसमें, ताकि अभी डिफरेंस भी लिख पाएंगे आपको। इसका वर्किंग देखिए क्या कैसा, इसका वर्किंग ऐसा होता है ना, ये जो भी कंपास है इसमें एक नीडिल होती है, इसमें एक नीडिल होती है, और ये नीडिल जो है हमेशा नॉर्थ के डायरेक्शन को शो करता है, मतलब ट्रू मेरिडियन को हमेशा शो कर रहा होगा। लेकिन मान लीजिए, मतलब उसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक कंपास के अंदर जो भी नीडिल है वो हमेशा क्या शो करेगा, बेसिकली ट्रू मेरिडियन को शो करने का कोशिश करेगा। बट किसी एरिया में गए मेजरमेंट लेने के लिए, वहां पे लोहा वगैरह ज्यादा है, और भी कुछ ऐसा चीज है जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और ऐसे लोकेशन पे आप कंपास को रखेंगे तो कंपास का जो नीडिल है वो ट्रू मेरिडियन को ना शो करते हुए, ट्रू नॉर्थ को ना शो करते हुए थोड़ा सा अपने पोजिशन से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब वो थोड़ा सा अपने पोजिशन से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तब उस समय जो वो नॉर्थ एंड साउथ शो कर रही होगी, दैट इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन, समझ में आ रहा है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये जो एंगल है, अच्छा ये सारा एंगल कहाँ पर कौन सा मेजर करें, आपको आइडिया क्लियर हो रहा है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एंगल मेजर किया जाता है, हॉरिजॉन्टल एंगल, ये वर्टिकल एंगल नहीं है। वर्टिकल एंगल कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल कौन सा होता है, समझिए। एक मान लीजिए टावर है, ठीक है, दिस इज ए टावर, और यहाँ पर कहीं पर आपने थेडोलाइट वगैरह फिक्स किया है, और थेडोलाइट फिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, आपको टावर का जो टॉप है
इसका एंगल मेजर करना है विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल। तो ये जो थीटा एंगल आप मेजर करोगे, दिस इज योर वर्टिकल एंगल, जो कि हम थेडोलाइट को यूज करके कर लेते हैं। बट हियर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू जस्ट टू टेक द हॉरिजेंटल एंगल्स ग्राउंड के ऊपर, एक हॉरिजेंटल प्लेन में एंगल। मान लीजिए जैसे कि ग्राउंड के ऊपर ही सारा कुछ है, ग्राउंड के ऊपर। कहने का मतलब है, लेट्स सपोज एक कोई ऐसा लाइन है, दिस इज अ लाइन। तो मैं मुझे चाहिए ये कि इस लाइन का एंगल क्या है। तो इसके लिए हमारा रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस होता है नॉर्थ एंड साउथ, ट्रू मेरिडियन, नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ। तो हम कंपास रखेंगे, तो कंपास रखने के बाद ये जो लाइन है, इस लाइन के अलोंग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इधर या फिर इधर या फिर इधर, कहीं पर भी जो भी मन करे, इस लाइन के अलोंग आप क्या रखवाइए, रेंजिंग रॉड रखवाइए। फिर ये जो कंपास होता है, इसमें भी साइटिंग करने के लिए होता है ना। तो साइट करिए, साइट करिए किसको, रेंजिंग रॉड को देखिए। जब आपको रेंजिंग रॉड दिख जाएगा, तो जितना डिग्री सबका कंपास घुमा है, तो नॉर्थ से उतना डिग्री उसका एंगल हो जाएगा ये। तो इस एंगल को कहा जाता है बियरिंग एंगल ऑफ दिस लाइन। इसको हम क्या बोलेंगे, बियरिंग एंगल बोला जाता है। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से एंगल की मेके। अब एक बात और ध्यान दीजिए, जो ट्रू मेरिडियन है, ट्रू मेरिडियन वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, वो प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता, चेंज नहीं होता, नेवर, इट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। बट मैग्नेटिक मेरिडियन, जैसे कि मैंने बोला लोकल में कहीं पर इलेक्ट्रिक हैवी इलेक्ट्रिक वायर गया है, या फिर बहुत सारा लोहा लकड़ कोई ऐसा जंक यार्ड में जाके सर्वे कर रहे हो मैग्नेटिक कंपास को यूज करके, तो वहां पे ट्रू मेरिडियन एंड जो मैग्नेटिक कंपास जो आपका, जिसके अलोंग आपका नॉर्थ साउथ अलाइन है मैग्नेटिक नीडल का, वो ट्रू मेरिडियन पे सुपर इम्पोज नहीं होगा, मतलब वो एरर डेटा दे रही होगी। समझ में आ रहा है। तो वो मैग्नेटिक मेरिडियन शो कर रहा होगा। तो अब इनके बीच में जो एंगल आ गया, मतलब लेट्स सपोज कि ये आपका, ये जो नॉर्थ साउथ, यहाँ पे ऊपर देखो, ये जो नॉर्थ साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, लेट्स सपोज दिस इज योर ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन हमेशा कॉन्स्टेंट, तो ये मान लो ट्रू मेरिडियन है टी एम। बट हुआ क्या, आप कोई ऐसी जगह पे पहुंच गए थे जहां पर है ना आपका ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी इफेक्ट हो रहा था, और ऐसे केसेस में जो आपका कंपास है उसका जो नीडल है इस तरह से अलाइन हो गया, और कंपास का जो नीडल है एक्चुअली वो शो कर रहा है कि ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, तो ये जो मेरिडियन है ये चेंज हो गई है ना। तो इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, बिकॉज इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ विच इज इन्फ्लुएंसिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ है ना। तो उससे इन्फ्लुएंस हो चुकी है, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल चेंज होता है, इसी को हम कहते हैं डिक्लिनेशन, इसी को हम बोलते हैं डिक्लिनेशन। अब ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ईस्टर्न डिक्लिनेशन, दूसरा होता है वेस्टर्न डिक्लिनेशन। दोनों देखेंगे, टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है, दोनों बताऊंगा। टर्म समझो, अभी टर्म समझो, इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्लिनेशन। ओके, अब सुनिए बात को, सर्वेयर कंपास प्रिज्मेटिक कंपास के बीच में हम आपको बेसिक डिफरेंस बताएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं है ना, तो एक एक करके समझिए ताकि आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो होता क्या है ना, ये जो पहले प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में समझो, एक कंपास होगी, ठीक है, कंपास मतलब गोल जैसा होता है, उसके अंदर एक प्लेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, प्लेट, जिसमें एंगल की रीडिंग्स है ना। एंगल की रीडिंग कैसे होती है, मैंने आपको बता रखा था, साउथ में जीरो शुरू होता है, फिर क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घड़ी घड़ी के डायरेक्शन में एंगल इंक्रीज होती है, जीरो फिर 90 फिर देखो 180 आ गया फिर 270, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, घड़ी जैसा चलता है, टिक 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 टिक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल इसमें इंक्रीज होती है। अब देखिए, तो वो ये जो एंगल का रीडिंग मेजर मतलब दिया गया, वो कहां पे दिया गया होगा, वो जो प्लेट है इसके अंदर, उस पे एंगल का रीडिंग दिया गया है। अब उसी प्लेट से एक नीडल फिक्स रहता है, तो ये जो प्लेट है जो मैंने आपको बताया, प्लस जो नीडल, ये दोनों आपस में फिक्स रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं। समझ गए बात को। अब वो जो नीडल है वो क्या शो करता है, नॉर्थ एंड साउथ है ना। ये नीडल क्या शो कर रहा है, नॉर्थ एंड साउथ को शो कर रहा है, देखो है ना, ये है। और उस नीडल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल। उसमें एक तरफ लिखा होता है एन, एक तरफ लिखा होता है एस। इमेजिन करते चलिए, विजुअलाइजेशन की काफी जरूरत है सर्वे में। तो ऐसा है, अब देखिए, या फिर आप गूगल से कोई फोटो उठा के भी देख सकते हैं। जब आप साइटिंग करते हो, मतलब कहीं पर कंपास को प्लेस किया, फिर हमको साइटिंग करना है, मतलब साइटिंग यहाँ पे कहीं रेंजिंग रॉड रखवा के मुझे पता लगानी है कि ये अगर नॉर्थ साउथ है तो नॉर्थ से इसका डायरेक्शन क्या है। तो मैं क्या करूंगा, कंपास को धीरे 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 धीरे
इस तरफ रोटेट करूंगा और साइट करूंगा, यहाँ पे एक साइट वेल लगी रहती है, साइट करूंगा और साइट वेल में एक तार लगी रहती है, वो तार प्लस रेंजिंग रॉड अगर मेरे एक सीध में आ गया तो साइटिंग हो गया कंप्लीट। तो जब साइटिंग आपकी कंप्लीट हो गई है तो उस समय देखिए आपका नॉर्थ साउथ ऐसे था ये वाला लाइन, तो नॉर्थ साउथ से कितना रीडिंग यहाँ पे बढ़ा है साइटिंग अलोंग द लाइन ऑफ साइट, है ना, कितना रीडिंग यहाँ पे आया है वही रीडिंग हम मेजर करते हैं और बता देते हैं कि उतना है उस लाइन का बियरिंग, समझ में आ रहा है। बट ये जब आप साइटिंग कर रहे हैं, जब आप इस तरह से कंपास को घुमा रहे हो, तो उस वक्त वो सर्कल जिसमें एंगल लिखा गया है प्लस निडिल वो नहीं घूमते, वो फिक्स है, वो नहीं घूमेंगे किसमें, प्रिज्मेटिक कंपास में वो घूमते ही नहीं है, वो फिक्स है, समझ में आया। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर पाते हैं, चूंकि वो घूमते नहीं है वो फिक्स है, इसलिए जब हम साइटिंग कर रहे हैं तो साइटिंग के साथ साथ ही हमको एंगल का मेजरमेंट करना पड़ता है, समझ में आ रहा है। सो साइटिंग एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल इज डन साइमल्टेनियसली, एक ही साथ, बट सर्वेयर कंपास में जस्ट उसका उल्टा है। क्या है उल्टा, ये निडिल और जो सर्कल है जिसके ऊपर वो रीडिंग लिखा हुआ एंगल का, वो दोनों आपस में कनेक्टेड तो रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे यहाँ पे था निडिल और जो सर्कल है वो दोनों इतना कनेक्टेड है कि वो घूम ही नहीं रहे, वो फिक्स है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। निडिल अपने जगह पे रहेगा, निडिल तो नहीं घूमना है, निडिल को घूमना नहीं है, लेकिन ये जो सर्कल है आप जैसे जैसे साइटिंग करोगे तो वो रीडिंग वाला सर्कल भी घूमेगा, समझ में आ रहा है। जैसे जैसे आप साइटिंग करेंगे वैसे वैसे रीडिंग वाला सर्कल भी घूमेगा। सो इस केस में एक बार आपने साइटिंग कंप्लीट कर लिया, पहला स्टेप होता है, उसके बाद फिर आओ और एंगल का मेजरमेंट करो, वो अलग स्टेप होती है। तो सर्वेयर कंपास में ये होता है कि साइटिंग एंड एंगल मेजरमेंट कैनॉट बी डन साइमल्टेनियसली, समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो ग्रेजुएटेड सर्कल होती है, वो सर्कल जिसमें एंगल की वैल्यू लिखी गई है, दैट ऑल्सो मूव, दैट ऑल्सो रोटेट वाइल साइटिंग, लेकिन यहाँ पर प्रिज्मेटिक कंपास की केस में जो आपका ग्रेजुएटेड सर्कल है और निडिल है ये आपस में कनेक्टेड है, प्लस जब आप साइटिंग करोगे ये दोनों रोटेट नहीं करेंगे, ये अपने जगह पे फिक्स है, इसलिए साइटिंग के साथ ही साइमल्टेनियसली हम एंगल का भी रीडिंग ले लेते हैं, इसमें ऐसा नहीं किया जा सकता है सर्वेयर कंपास में। प्लस और बताता हूँ, प्रिज्मेटिक कंपास को हाथ में पकड़ो, ये रफ एंड टफ है, हाथ में पकड़ के साइटिंग करके बता दो बियरिंग, सर्वेयर में नहीं कर सकते, इसके लिए प्रॉपर ट्राइपॉड स्टैंड लगाओ, उस पे इसको फिक्स करो, बढ़िया से इसका सेंटरिंग लेवलिंग करो, फिर जाके साइटिंग करके किसी भी लाइन का बियरिंग बताना है। तो ट्राइपॉड इज नेसेसरी टू बी यूज्ड इन केस ऑफ सर्वेयर कंपास, बट प्रिज्मेटिक कंपास के केस में कोई ट्राइपॉड वगैरह की जरूरत नहीं है, यूज करना है मूड है तो कर लो, नहीं तो जरूरत नहीं है आपको ट्राइपॉड का इस्तेमाल करने का, ठीक है। तो चलिए पहले इन पॉइंट्स को लिखते हैं। वेल, तो हमने लिखा है आपके लिए सर्वेयर कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास, पहले तो ये एंगल वाला सिस्टम, इसका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जान लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ पे कितना, साउथ पे कितना, ईस्ट पे कितना, वेस्ट पे कितना, क्लियर है। सर्वेयर में देखिए नॉर्थ साउथ पे 0 0, ईस्ट वेस्ट पे 90 90। प्रिज्मेटिक में क्या होता है, साउथ पे 0 से शुरू होकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीडिंग बढ़ती है। अच्छा एक चीज और देखिए, जहां पर एंगल का मेजरमेंट 0 to 360 डिग्री वाले सिस्टम में लिया जा रहा है उसको होल सर्कल बियरिंग सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ग्रेजुएटेड रिंग है उसमें जो एंगल सिस्टम दिया गया है, इट इज इन WCB, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बनता है, WCB सिस्टम। और जहां पे 0 to 90 डिग्री वाला सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, QBS। तो सर्वेयर कंपास में QBS को फॉलो किया जाता है, प्रिज्मेटिक कंपास में WBS को फॉलो किया जाता है, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, और इसमें क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है। एक चीज और बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो ये जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है किसका लिए होती है, समझ गए। तो एक प्रिज्म अलग से दिया जाता है, हम उस प्रिज्म के थ्रू से देखेंगे तभी हमको एंगल का रीडिंग यहाँ पे पता चलेगा। मतलब आप ऊपर से ऐसे देख के आप एंगल का रीडिंग नहीं बता सकते, लेकिन सर्वेयर कंपास में जो ऊपर का ग्लास है आप ग्लास से ही देख के इजिली जो जो भी लाइन का आपने बियरिंग मेजर किया है वो आप इजिली बता सकते हो, और वैसे ही हम बताते हैं, है ना, बाय आफ्टर लुकिंग टॉप फ्रॉम टॉप ऑफ द ग्लास। बट प्रिज्मेटिक कंपास में एक स्पेशल प्रिज्म होती है टू टेक द ऑब्जर्वेशंस, रीडिंग के वैल्यू को नोट डाउन करने के लिए। सो अब देखो प्रिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें देखो मिरर वगैरह का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एम्बुलेंस देखो, एम्बुलेंस में चीजें लिखी रहती है उल्टा, क्यों, ताकि आप रियर व्यू में देखो तो वो दिखे आपको सीधा, तो पता चल जाए एम्बुलेंस है। सेम चीज
प्रिज्म का यूज करके रीडिंग नोट डाउन करना है, इसलिए इसमें जो ये लिखावट है ना, ये उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों? जब आप प्रिज्म के थ्रू से देखोगे तो आप ऑटोमेटिकली आपको सीधा दिखेगा, तो ये चीज भी ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो प्रिज्मेटिक कंपास है, प्रिज्मेटिक कंपास का जो ग्रेजुएटेड रिंग है उसमें जो रीडिंग लिखी गई होती है वो इन्वर्टेड लिखी गई होती है, नॉट इरेक्टेड, इन्वर्टेड। व्हाई? बिकॉज द रीडिंग टू बी टेकन या ऑब्जर्व इज टू बी डन थ्रू ए प्रिज्म, एक प्रिज्म के माध्यम से करनी है। बट सर्वेयर कंपास में ऐसा नहीं है, जो भी रीडिंग है आप ऊपर टॉप ऑफ द ग्लास से ऊपर से आराम से देख सकते हैं। वहां पे एक ग्लास का कवरिंग होता है, उसके नीचे सर्कल आपको क्लियरली विजिबल होता है, तो उसमें सीधा सीधा रीडिंग लिखा लिखा गया होता है। समझ रहे हो बात को? तो ये एक पॉइंट क्लियर हुआ, WCB वाला पॉइंट क्लियर हुआ, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम वाला पॉइंट क्लियर हुआ। चीजें याद हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ ना, है ना? और मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चन, नॉट ओनली वन टू क्वेश्चन, ऐसे ढेरों सारे क्वेश्चन ये सब जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं वहां से पूछे गए। समझ गए बात को? अब लास्ट का एक पॉइंट, इसी के साथ आपका ये कंपास खत्म हो जाएगा। टाइप ऑफ कंपास डिफरेंस बिटवीन 50, 60, 100 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है? सब बता दिया, यकीन मानो दिल से सुना है ध्यान से, तो सारा कुछ कुछ सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा दिमाग में क्लिक रहेगा, अगर सुने हुए हैं मालूम होगी आपको, है ना? बताया हुआ है हमने। ट्राइपॉड स्टैंड का इस्तेमाल नेसेसरी है सर्वेयर कंपास में, प्रिज्मेटिक में आप उसको हाथ में रख के भी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर ट्राइपॉड स्टैंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कर सकते हैं भाई, ओके? हमारे पास है तो करेंगे, लेकिन नहीं भी है तो कोई जरूरी नहीं है, चलेगा वो, आप कर सकते हैं उससे, काम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे कुछ आपके बेसिक डिफरेंस है बिटवीन सर्वेयर एंड प्रिज्मेटिक कंपास, ओके? चलिए, आपका क्वेश्चन आ गया, बियरिंग सिस्टम से क्वेश्चन आ गया है ना? तो हम लोग एक बार एंगल सिस्टम को समझ लेते हैं, तब धीरे धीरे सारा कुछ हमको समझ में आएगा। एक बार एंगल सिस्टम को समझते हैं। देखिए, एक कंप्लीट सर्कल जो होता है ना, वो कितना होता है? 360 डिग्री। तो हमने वही लिखा है, वन सर्कमफ्रेंस बराबर होती है 360 डिग्री। एक डिग्री में होता है कितना? 60 मिनट। एक मिनट में होता है 60 सेकेंड, ध्यान रखना है। तो ये तो वो आपका एंगल सिस्टम। घड़ी, टाइम सिस्टम कैसे होता है? टाइम सिस्टम में जब घड़ी, घड़ी का जो सुई है उसको देखो, कैसे स्टार्ट करो, फिर वो कंप्लीट सर्कल को घूम के फिर उसी पोजीशन पे आ गई, मतलब कितना का रीडिंग लिया? 24 घंटे का जनरली होता है, 24 आवर, एक कंप्लीट सर्कल। तो टाइम, टाइम सिस्टम में वन सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 24 आवर। उसके बाद जो एक घंटा है वो रिप्रेजेंट करता है आपका 60 मिनट, और एक मिनट जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका 60 सेकेंड, वो टाइम सिस्टम का है। समझ गए? वो भी लिखवा ही देता हूं यार। तो ये आपका टाइम सिस्टम। अब समझते हैं, यहाँ पे हमको जो समझना है ये होल सर्कल बियरिंग क्या है, और ये क्वाड्रेंटल बियरिंग या फिर और रेडियस बियरिंग, दोनों सेम होती है, ये क्या है? तो देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है, बियरिंग शब्द को पहले समझिए। बियरिंग शब्द का मतलब क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल एंगल है, बियरिंग मीन्स हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है? हॉरिजॉन्टल एंगल का हम मेजरमेंट कर रहे हैं, मतलब ग्राउंड के ऊपर ही एंगल का मेजरमेंट किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से वर्टिकल एंगल मेजर कर रहे हो, दिस नहीं, ग्राउंड के ऊपर ही हॉरिजॉन्टल एंगल्स, है ना? जैसे आपका हॉरिजॉन्टल कर्व होता है वही सेम चीज, तो हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट किया जा रहा है। तो बियरिंग शब्द का मतलब बस इतना होता है, ग्राउंड पे कोई भी एक लाइन है, जैसे कि ये एक लाइन है ग्राउंड पे, दिस इज ए लाइन, इस लाइन का डायरेक्शन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड रेफरेंस। अब वो फिक्स्ड रेफरेंस जनरली क्या होती है? जनरली होती है ट्रू मेरिडियन, जो कि अर्थ के ट्रू मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दैट इज योर ट्रू मेरिडियन। बट जो कंपास वगैरह होती है ना, मैग्नेटिक कंपास, वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन को ही शो करती है, ठीक है? मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल होता है वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन को शो करती है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक कंपास जो हम अर्थ पे यूज कर रहे हैं, वहां अगल बगल जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, लोहा, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब चीज होने के कारण अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट हो जाती है उस लोकल एरिया में, जिस कारण से आपका मैग्नेटिक नीडल ट्रू मेरिडियन नहीं शो कर रहा होता है। तो उन दोनों के बीच का एंगल जो चेंज है उसको हम डिक्लिनेशन कहते हैं। वो भी दो तरह का हो सकता है, ईस्टर्न वेस्टर्न, देखेंगे कैसे निकाला जाएगा। डिक्लिनेशन निकालने के बाद फिर ट्रू बियरिंग कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग होगा। देखो, मैग्नेटिक मेरिडियन से कैलकुलेट करोगे किसी लाइन का एंगल तो होगा मैग्नेटिक बियरिंग, और ट्रू बियरिंग
से किसी लाइन का एंगल कंप्लीट करेंगे तो होगा ट्रू बियरिंग। तो ये कन्वर्जन भी आती है कि आपको मैग्नेटिक बियरिंग दे दिया गया है, वहां से ट्रू बियरिंग निकालिए, तो वो हमको डिक्लिनेशन पता होना चाहिए, मैग्नेटिक कंपास का नीडल का डिक्लिनेशन क्या है, तो डिक्लिनेशन हमको पता होगा तो हम इजिली मैग्नेटिक बियरिंग से ट्रू बियरिंग में, ट्रू बियरिंग से मैग्नेटिक बियरिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा फिर। ठीक है, सब कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, बट लेकिन ध्यान रखना क्या क्या सवाल टाइप है, ये सब सवाल भरे हुए हैं आपके कंपास सर्वे में, है ना। तो ये देखो, ये कोई लाइन है, ए बी लाइन है, इसका बियरिंग बताना है, तो मैंने आपको बोला कि विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स्ड रेफरेंस, तो ये फिक्स्ड रेफरेंस जनरली ट्रू मेरिडियन होती है, तो ये मान लो ये नॉर्थ एंड साउथ शो कर रहा है, तो इस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के रेफरेंस में इस लाइन का एंगल क्या है, ये जो एंगल होगा ना इसी को हम बियरिंग कहते हैं, बियरिंग कहते हैं, समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। होल सर्कल बियरिंग सिस्टम देखिए, ये मैं क्वाड्रेंट बना रहा हूं, चार क्वाड्रेंट मैंने आपको बना दी यहाँ पे। अब ये चार क्वाड्रेंट में क्या रिप्रेजेंट करूंगा, देखो ऊपर हमेशा नॉर्थ होगा, नीचे हमेशा साउथ होगा, इस तरफ ईस्ट, ईस्टर्न साइड है ना, इधर वेस्ट, ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट, हिमालय, चेरापूंजी, असम, मिजोरम, त्रिपुरा वो सब, वेस्ट मतलब गुजरात, नॉर्थ मतलब जम्मू कश्मीर, साउथ मतलब कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, ओके। तो ये सारे चीजें हैं। अब देखिए, अब मैं आपको एंगल सिस्टम यहाँ पे बताऊंगा, कैलकुलेट करवा के दिखाऊंगा। देखिए लेट्स सपोज यहाँ पे कोई एक लाइन है ऐसा, इधर कोई एक लाइन है ऐसा, इधर कोई एक लाइन है ऐसा, इधर कोई एक लाइन है ऐसा, है ना। ये लाइन है मान लो ए लाइन है, ये बी लाइन है, ये सी लाइन है, ये थर्ड, ये डी लाइन है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है मान लो, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। जो होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट करते हैं हम, वो हमेशा नॉर्थ से शुरू होगा, एंगल को मेजर जो करेंगे हमेशा नॉर्थ से शुरू करेंगे। जैसे ये लाइन ए है, इसका अगर एंगल मेरे को बतानी है तो ये बताऊंगा मैं नॉर्थ से, ये एंगल इसको मैं बोलूंगा थीटा ए, ठीक है। ये एंगल बी है, इस ये जो लाइन बी है इसका अगर मेरे को एंगल बतानी है, लेट मी चेंज द कलर, तो मैं नॉर्थ से ही बताऊंगा, हमेशा नॉर्थ से बताऊंगा, और इसको मैं बोलूंगा थीटा बी, है ना। लाइन सी है, इसका मेरे को एंगल बतानी है, तो ये भी मैं कहां से बताने वाला हूं, नॉर्थ से ही बताऊंगा, है ना, तो नॉर्थ से ही बताऊंगा, और इसको मैं बोलूंगा थीटा सी, तो रेफरेंस मेरा हमेशा नॉर्थ है। और डी का मेरे को बियरिंग बताना है, तो वही नॉर्थ से ही मेजर करूंगा ये, और इसे मैं बोलूंगा थीटा डी। तो दिस इज योर होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। रेफरेंस जो होगा वो हमेशा नॉर्थ होगी, और एंगल की मेजरमेंट हम कैसे कर रहे हैं, देखो घड़ी की दिशा में टिक 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 टिक, मतलब जो मेजरमेंट होती है एंगल की, ओके, एंगल की जो वैल्यू बताई जाएगी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हमेशा क्लॉकवाइज, हमेशा क्लॉकवाइज। किसी भी लाइन का बियरिंग आपको बतानी है तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हुए आइए, तो जो भी एंगल का वैल्यू दे रहा है वही उस लाइन का बियरिंग होगा इन होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। समझ गए बात को, ठीक है। तो दिस इज योर डब्ल्यूसीबी सिस्टम। अब मैं आपको बताता हूं क्वाड्रेंटल बियर, अच्छा डब्ल्यू सिस्टम, डब्ल्यूसीबी सिस्टम में जो एंगल का रीडिंग कहां से कहां तक वेरी हो सकता है, एकदम नॉर्थ पे जीरो है, ठीक है, मतलब जीरो से किधर हो सकता है, जीरो से शुरू होके 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 आपका वेरी कर सकता है अप टू 360 डिग्री। तो इसमें ये होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में एंगल की जो रीडिंग है वो हो सकती है जीरो लेस देन इक्वल टू थीटा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री, सॉरी हाँ सही है, ओके। मैं सोचा ये साइन में क्या, नहीं, थीटा जीरो के बराबर या उससे ज्यादा होगा, और थीटा 360 के बराबर या उससे कम होगा, यही चीज है। तो ये आपका रेंज है एंगल का वेरिएशन का, समझ गए। तो ये आपका होल सर्कल बियरिंग सिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यू सी बी सिस्टम। इस तरह से अगर किसी का एंगल बताएंगे तो ये डब्ल्यू सी बी सिस्टम है आप बता रहे हैं। अब मैं बात करता हूं क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम का। देखो यार, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में कैसे होता है, ये ऐसा ऐसा है मान लीजिए, ठीक है, ये क्वाड्रेंट ले लो, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। हम दो लाइन लेंगे, मान लो एग्जांपल के लिए दो लाइन बता रहा हूं, ये एक लाइन बता रहा हूं और ये एक लाइन बता रहा हूं, इनका मुझे बियरिंग मेजर करना है ना, ये लाइन है ए और ये लाइन है बी। तो क्यूसीबी सिस्टम का बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, क्यू क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, क्यूबीएस के बारे में। तो देखिए, तुमको मालूम है नॉर्थ साउथ पे जीरो जीरो होता है, अभी तो बताया सर्वेयर कंपास में, और ईस्ट वेस्ट पे 90 90। तो एक तो एंगल का वेरिएशन कहां से कहां तक हो सकता है,
जीरो टू नाइनटी, फिर जीरो टू नाइनटी, फिर जीरो टू नाइनटी, ऐसा। इसमें जो एंगल मेजरमेंट की जो रेफरेंस है, जैसे उससे पहले वाले में डब्ल्यू डब्ल्यू होल सर्कल बियरिंग में जो आपका रेफरेंस था वो केवल नॉर्थ था, बट यहाँ पे रेफरेंस आपका नॉर्थ हो सकता है एंड साउथ हो सकता है, हमेशा यही दोनों रेफरेंस होगा। अब देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं, मेरे को ये बताओ ये जो लाइन ए है इसका बियरिंग अगर लिखना है आपको तो कैसे लिखना है, इसका बियरिंग कैसे लिखेंगे? देखिए लेट्स सपोज ये जो एंगल है मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं, तो इसका बियरिंग हम नॉर्थ से, रेफरेंस नॉर्थ है मेरे पास, बगल में नॉर्थ है तो नॉर्थ से मैं रेफरेंस लूंगा, और लेट्स सपोज ये एंगल आपका थीटा है, थीटा है, ये एंगल क्या है थीटा है, तो होगा क्या, कैसे लिखूंगा मैं इस एंगल को, कैसे लिखूंगा इन क्यूबीएस सिस्टम, नॉर्थ से थीटा ए एंगल पे लाइन ए है ईस्ट की तरफ, इस तरह से लिखा जाएगा, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आ रहे हो तभी तो वो थीटा ही लिखा है ना, तो लाइन ए का जो बियरिंग है वो इस तरह से लिखा जाएगा क्यूबीएस सिस्टम में। और ये मान लो लाइन बी है, लाइन बी का यहां से ये एंगल है, देखो ये जो एंगल है ये लेट्स सपोज ये थीटा बी है, रेफरेंस कहां से लिया मैंने साउथ से, ठीक है, रेफरेंस कहां से लिया हमने साउथ से, तो लाइन बी का अगर बियरिंग लिखूंगा इन क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम तो मैं लिखूंगा साउथ से थीटा बी एंगल चलेंगे वेस्ट के तरफ तो मेरा ये लाइन बी आपको मिलेगा, तो इस तरह से लाइन बी का हम बियरिंग लिखेंगे इन क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। और ये जो थीटा का वैल्यू है आप देखो थीटा का वैल्यू हमेशा जीरो और नाइन्टी के बीच में ही रहेगा, हमेशा जीरो और नाइन्टी के बीच में ही रहेगा ये थीटा का वैल्यू, समझ में आ रहा है, ये है आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। अब मुझे ये बताओ अगर क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम है उसको होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो ये वाला तो ईजी है आपका, कौन सा, ये बहुत ईजी है, ये लाइन जो बी है इस लाइन बी का मेरे को होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में कन्वर्ट करके दिखाओ। देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले ये मान लो ये जो थीटा बी है ये कहां से मेजर किया, ये तो साउथ से मेजर किया है, थीटा बी को कहां से मेजर किया, साउथ से, लेकिन होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में हमको ये जो लाइन बी है इसका बियरिंग नॉर्थ से बतानी है, मुझे ये बताइए ये जो नॉर्थ है इस नॉर्थ से यहां तक का एंगल, ये एंगल क्या 180 डिग्री नहीं है, तो इस लाइन बी का अगर मेरे को बियरिंग बतानी है तो ऐसे केसेस में तो मैं ये क्या बताऊंगा, डब्ल्यूसीबी सिस्टम में होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में मैं बताऊंगा थीटा बी प्लस 180 डिग्री, तो ये डब्ल्यूसीबी सिस्टम में आपका ये लाइन बी का बियरिंग हो जाएगा। तो हम इस तरह से मैं जो आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम है उसको होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो होल सर्कल बियरिंग है उसको क्वाड्रेंटल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये हो जाएगा ना, देखो ये 90 प्लस ये थीटा भी, तो 180 डिग्री प्लस थीटा भी, इसी तरह से किसी भी क्वाड्रेंट का, जैसे अभी ये लाइन ए जो है इसका अगर होल सर्कल लिखना है तो इसका होल सर्कल सिंपल है, वो तो नॉर्थ से थीटा ए पे है ही, तो उसका भी होल सर्कल बियरिंग वही थीटा ए होगा, है ना। तो मैं आपको हर एक क्वाड्रेंट में एक एक लाइन लिख के उसका कन्वर्जन दिखा देता हूँ होल सर्कल टू, मतलब मैग्नेटिक टू होल सर्कल में, ओके, और एकदम चीज क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे ये देखो यार एक चीज और, देखो एक चीज और बताता हूं, देखो एक डिफरेंस और है, अच्छे से समझिए। लेट्स सपोज यहां पर कोई एक लाइन है, इधर एक लाइन है यहां पे, ठीक है, तो इस लाइन का बियरिंग हम कैसे बताएंगे? इस लाइन का बियरिंग मैंने बोला रेफरेंस हमारा हमेशा मेरा क्या होगा, नॉर्थ या साउथ होगा इन क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, और यहां लाइन कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन लाई कर रहा है तो इसका तुमको बताना है बियरिंग, तो रेफरेंस ले लो नॉर्थ से, तो नॉर्थ से ये मान लो लाइन सी है, नॉर्थ से थीटा सी डिग्री पे ये लाई करता है, तो इसको लिखेंगे कैसे, बियरिंग ऑफ लाइन सी में लिखूंगा कैसे, मैं लिखूंगा नॉर्थ से थीटा सी हम चलेंगे वेस्ट के तरफ, तब जो लाइन मिल रही है तब तब मतलब वेस्ट के तरफ ये थीटा सी है उस लाइन की बियरिंग, हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्थ से थीटा सी चलेंगे वेस्ट की तरफ। तो यहां पे देखिए एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका या एंगल को मेजरमेंट करने का तरीका दोनों डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज भी आप कर पा रहे हैं, देखिए नॉर्थ से थीटा सी थीटा ए चले ईस्ट की तरफ तो ये क्लॉकवाइज हो गया, यहाँ पे नॉर्थ से थीटा सी चले वेस्ट की तरफ तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। सो जो एंगल का मेजरमेंट लिया जाता है इन क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों, ठीक है, और एंगल जो थीटा जो वेरी करेगा थीटा विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, जीरो से 90 के बीच में थीटा का कोई भी थीटा का
वैल्यू लाई करता है, समझ में आ रहा बात? ठीक है। और क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम को होल सर्कल में कन्वर्ट करना और होल सर्कल को क्यूबीसी में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, इसमें कोई झंझट वाली बात ही नहीं है, एंगल वेंगल का गेम है खाली। क्वाड्रेंट होल सर्कल बियरिंग सिस्टम मालूम है, वो हमेशा नॉर्थ से मेजर किया जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये कॉन्सेप्ट है डब्ल्यूसीबी का, और क्यूबीएस का मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से मेजर किया जाता है। चलिए इसको एक बार समराइज कर देते हैं और थोड़ा इंटर रिलेशनशिप आपको दिखा देता हूं, तो आंतरिक शांति मिल जाएगा। देखो कहना ये है, यहां पे समझिए, ये जो ड्राइंग मैंने बनाया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, इट इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट, एक दो तीन चार, जैसा जैसा समझा रहा हूं वैसा वैसा समझिए, ये चार क्वाड्रेंट है और यहाँ पे मैंने चार लाइन दिखा रखा है। ये मान लो ये जो पॉइंट है दिस इज योर ओरिजिन, इसको ओ पॉइंट कह लीजिए, तो इस ओरिजिन से आपको चार लाइन आपको दिख रहा है, चार अलग अलग क्वाड्रेंट में है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, इनका होल सर्कल बियरिंग जो है वो है थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी, थीटा डी। तो ये थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी, थीटा डी किधर से आपको मालूम है, हमेशा नॉर्थ से थीटा ए, नॉर्थ से थीटा बी, नॉर्थ से थीटा सी, नॉर्थ से थीटा डी, होल सर्कल बियरिंग। मैं पूछ रहा हूं रेस्पेक्टिव क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होगा, रेस्पेक्टिव क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में आप कैसे लिखोगे। पहला, ये लाइन ओ ए का अगर मैं बियरिंग लिखूंगा, किसका, ओ ए लाइन का, डायग्राम देख के चलते रहना, डायग्राम से ही लिखेगा, तो रेफरेंस क्या होगा मेरा, नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ थीटा ए जो भी आपका होल सर्कल बियरिंग है इतना ईस्ट की तरफ, ये एक एंगल हो जाएगा लाइन ओ ए का। सिमिलरली अगर मेरे को लिखना है किसका, ये जो लाइन ओ बी है इसका मेरे को लिखना है क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में, इसमें क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में, लेकिन मेरे पास कौन सा वैल्यू है, मेरे पास इसका वैल्यू है आपका ये थीटा बी, थीटा बी मेरा, मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या है, फोल सर्कल बियरिंग, ये वाला एंगल मुझे अभी मालूम है थीटा बी, लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, बेसिकली मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, तो लेट्स सपोज ये थीटा, इसको मैं बोलता हूँ ऐसे थीटा बी डैश बोल देता हूँ, ऐसा ये थीटा बी डैश बोल देता हूँ, है ना, तो मेरे को यहाँ पे ये थीटा बी डैश का वैल्यू चाहिए, तो ये थीटा बी डैश का वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे फिर। देखिए सिंपल सी बात है, ये अगर हमको सबसे पहले थीटा बी डैश निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ड्रॉइंग को, 180 डिग्री माइनस थीटा बी अगर मैं कर दूं तो ये जो चीज होगी ये क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, थीटा बी डैश, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, थीटा बी डैश, है ना, तो मुझे अगर क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में ये ओबी लाइन का एंगल रिप्रेजेंट करना है और मेरे पास होल सर्कल बियरिंग सिस्टम है ये, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए रेफरेंस मेरा क्या होगा, नजदीकी रेफरेंस साउथ, साउथ से 180 डिग्री माइनस थीटा बी, ये ब्रैकेट क्लोज, टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब साउथ से इतना एंगल ईस्ट की तरफ जाइए तो वो लाइन है, समझ में आ रहा है, तो इस तरह से हम ओबी लाइन का क्यूबीएस सिस्टम में लिख देंगे, कंफ्यूजन नहीं है, है ना। अब चलिए अब लाइन थीटा सी, थीटा सी आपको दिया हुआ है क्वाड्रेंट, ये होल सर्कल बियरिंग कौन सा, ये वाला, ये थीटा सी का वैल्यू देखो, ये थीटा सी, थीटा सी क्या है, नॉर्थ से इस लाइन सी का होल सर्कल बियरिंग दिया है कि नहीं, ओके आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है इसको क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में, किस सिस्टम में, क्यू बी सी सिस्टम में, तो हम कैसे लिखेंगे, हमको बेसिकली कौन सा एंगल चाहिए, साउथ से ये वाला एंगल चाहिए होगा, है ना, लेट्स सपोज ये आपका थीटा सी डैश, तो ये एंगल थीटा सी डैश यहाँ पे कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे अभी थीटा सी डैश निकालने का तरीका जो है वो क्या होगा, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि थीटा सी डैश माइनस 180, सॉरी थीटा सी माइनस 180 डिग्री लिख दूंगा यहाँ पे, देखो ये जो थीटा सी डैश होगा, ये जो थीटा सी डैश अगर मैं लिखूंगा, डार्क कलर ले लेता हूं, नहीं तो आप इस पे भी बोलोगे हैं, देखो ये जो थीटा सी डैश हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका जो भी आपको होल सर्कल बियरिंग गिवन है, थीटा सी माइनस 180 डिग्री, तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, साउथ थीटा सी माइनस 180 डिग्री वेस्ट,
समझो है। उसी तरह थीटा डी का कैसे रिप्रेजेंट करोगे, थीटा डी को रिप्रेजेंट करना और भी आसान है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम, मेरा नजदीकी रेफरेंस क्या है, नॉर्थ है, तो मेरे को नॉर्थ से रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ नॉर्थ, जो एंगल मेरे को चाहिए, जो एंगल मेरे को गिवन है थीटा डी, वो कहाँ से कहाँ तक गिवन है, वो गिवन है नॉर्थ से उसके पीछे तक का एंगल गिवन है, तो लेकिन मुझे चाहिए ये छोटा सा एंगल यहाँ पे, तो ये एंगल कैसे निकालूंगा, मैं लिखूंगा नॉर्थ 360 डिग्री माइनस, मैं क्या लिख देगा, 360 डिग्री माइनस जो भी लाइन का बियरिंग दिया हुआ है थीटा डी टुवर्ड्स वेस्ट, तो हो जाएगा इसका क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, कोई फॉर्मूला नहीं बनानी है, कुछ नहीं बनानी है, बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में अगर कोई चीज दिया है, कोई एंगल का वैल्यू, तो उसे हम नॉर्थ, उसे हम क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने आपको ये करवा के दिखाया है, तो इसी तरह से कन्वर्ट किया करेंगे, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किया, इस पर से 60-70 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर जेई में है, एसएससी में, एमपी व्यापम में, तो अनगिनत क्वेश्चन पूछेंगे आपको, सिंपल सी चीज है, ठीक है। और ये जो आपका अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे थे, जिसके राम कहानी ये सब पढ़ा, वो क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। चलो देखते हैं, तो अभी तक क्या हुआ होगा, थोड़ा सा वीडियो में ना, मतलब हमारा वॉइस और ये वीडियो थोड़ा लैग कर गया होगा, कोई बात नहीं यार, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट उतना ही था, वो सब था ही, है ना, तो वीडियो क्या हुआ होगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया होगा, कोई बात नहीं, ओके समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देखिए, इफ ए लाइन ए बी हैज अ होल सर्कल बियरिंग बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, क्या बोल रहा है, कोई एक लाइन ए बी है जिसका डब्ल्यू सी बी जो है ना, वो 90 और 180 डिग्री के बीच में, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, क्यों ना कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जो होल सर्कल बियरिंग मेजर कर रहे हैं वो हमेशा नॉर्थ से मेजर करेंगे, तो ये जो लाइन है वो कहीं यहाँ पर लाइन होगा, तभी तो इसका होल सर्कल बियरिंग जो है 90 से ज्यादा और 180 डिग्री से कम है, दिस इज योर डब्ल्यू सी बी ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, देन करेक्ट एक्सप्रेशन यूज टू कैलकुलेट रिड्यूस बियरिंग। अब इसका रिड्यूस बियरिंग हम कैसे बताएंगे, सिंपल सी बात है यार, अभी मैंने आपको बता रखा था, इसका रिड्यूस बियरिंग बताने के लिए हम साउथ को रेफरेंस लेंगे, ये आपका वेस्ट है, सॉरी ये आपका ईस्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, साउथ से मैं कितना चलूंगा, 180 डिग्री माइनस डब्ल्यू सी बी एंगल, इतना चलूंगा ईस्ट की तरफ, यही हो जाएगा आपका रेड्यूस बियरिंग, ठीक है। ये जो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम है, इसी को हम रेड्यूस बियरिंग भी कहते हैं, यही जो है इसी को हम रेड्यूस बियरिंग कहते हैं, ये कोई अलग से नहीं है, ध्यान रखना, इसी को हम रेड्यूस बियरिंग कहते हैं। जो भी हम होल सर्कल बियरिंग को अगर हम क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो बियरिंग होते हैं उसी को हम रेड्यूस बियरिंग कहा करते हैं, ठीक है, इज इट क्लियर, तो करेक्ट आंसर ये आप कोई मैच कर रहे हैं कि नहीं, रिड्यूस बियरिंग इक्वल टू 180 डिग्री माइनस डब्ल्यू सी बी, देखो यहाँ पे मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये सही तरीके से नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं यार, नहीं लिखने दो, हमारा जो सही तरीका होता है लिखने का वो होता ही है, वह 180 डिग्री माइनस डब्ल्यू सी बी साउथ से, 180 डिग्री माइनस डब्ल्यू सी बी ईस्ट, है ना, तो ये होता अपना सही तरीका, करेक्ट नोटेशन होता है। अब देखिए ये सब चीज मैंने आपको बता रखा है, कन्वर्ट इतना 122 डिग्री 30 मिनट होल सर्कल बियरिंग इनटू क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम आपको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, तो देखो ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अभी होल सर्कल बियरिंग इक्वल टू 122 डिग्री 30 मिनट का मतलब क्या है, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, क्यों, ये 0 डिग्री और ये होल सर्कल बियरिंग की तरफ से हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो 0 पे नॉर्थ होता है, ये 90 डिग्री, फिर ये 180 डिग्री, तो 90 से 180 डिग्री के बीच का वैल्यू है ना, तो यहाँ पर कहीं पर लाई कर रहा होगा आपका ये पर्टिकुलर लाइन, जिसकी होल सर्कल बियरिंग दी गई है 122 डिग्री 30 मिनट, इसको आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या, हमको ये वाला वैल्यू चाहिए, ये वाला एंगल का वैल्यू चाहिए, कौन सा, देखो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ये वाला एंगल का वैल्यू चाहिए, तो ये एंगल का वैल्यू कैसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साउथ से हम 180 डिग्री माइनस 122 डिग्री 30 मिनट चलेंगे ईस्ट के तरफ, तो ये जो चीज होगी ये आपकी होगी क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, ओके, तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑब्वियस ही बात है, ये देखो ये ऑप्शन सही है, साउथ 57 डिग्री 30 मिनट ईस्ट,
है ना। तो आपको बस यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन से ही आंसर दे देना है, न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट भी नहीं करना, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये आपका जेई का क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक बियरिंग लाइन का दिया हुआ है ऑफ ए सर्वे लाइन इज फाउंड टू बी 33 डिग्री 40 मिनट इफ डिक्लिनेशन इज 3 डिग्री 40 मिनट ईस्ट, मतलब ईस्टर्न डिक्लिनेशन है। तो ट्रू बियरिंग क्या है, तो ऐसे केसेस में ट्रू बियरिंग इक्वल टू क्या होगा, ईस्टर्न डिक्लिनेशन प्लस मैग्नेटिक बियरिंग। तो दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या, 33 प्लस 3 33 प्लस 3 तो ये 39 डिग्री तो ऐसे ही हो गया, प्लस 40 मिनट और इधर 40 मिनट, तो 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री होता है। तो 40 दुना हो गया 80, तो उसमें से 60 हटा दो तो ये 39 प्लस 1 मतलब ये 40 डिग्री हो गया। एक मिनट रुक जाओ यार, अरे 40 कहां से हुआ, ये 33 प्लस 3 36 प्लस 1 37 डिग्री हो गया, 37 डिग्री बचा कितना 20, तो 20 मिनट। आंसर इसका कोई मैच कर रहा है नहीं, बट आंसर आपका करेक्ट है 37 डिग्री 20 मिनट। हमेशा अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखना, एग्जाम में ऑप्शन गलत भी आ सकता है, तो ये ऑप्शन एग्जाम में गलत है, लेकिन फिर भी आपको जो करेक्ट आंसर वहां पे लगा के आनी थी वो लगा के आनी थी बी, क्योंकि यहाँ पे 37 डिग्री लिखा हुआ है, 40 मिनट भले ही लिख दिया गया कोई बात नहीं, उनसे कोई एरर हुई होगी है ना। तो इस क्वेश्चन को या फिर वो करेक्ट मतलब या फिर वो रिमूव कर देते, या फिर इस क्वेश्चन का इसी आंसर को करेक्ट एज्यूम करके मार्क दे देते बच्चों को, लेकिन जब बच्चे चैलेंज करते तो हो सकता था उनके लिए मार्क दिया जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चैलेंज करने वाली कोई बात ही नहीं थी, वो बेसिकली क्वेश्चन ही रिमूव किया जाता। क्यों, आपने अगर 41 टिक लगा दिया है तो किस हिसाब से, किस मुंह से चैलेंज कर रहे हो, जब आपको मालूम ही नहीं है वो 37 डिग्री और 20 मिनट होगा तो आप 41 कैसे लगाते, आप तो बेसिकली यही वाला ऑप्शन लगाते बी वाला, समझ में आ रहा है। तो वो भी पकड़ में आ जाएगा, विभाग भी उतना बेवकूफ नहीं होता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्लोज ट्रेवर्स। अभी यहाँ पे दो बड़े बड़े टर्म आ गए, मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ, आप बड़ा ध्यान से इसको कैप्चर करिएगा। एक टर्म आ गया इंटीरियर एंगल और एक टर्म आ गया क्लोज ट्रेवर्स। क्या होता है देखिए, पहले तो ट्रेवर्स सबका मतलब आपको क्लियर है, ट्रेवर्स सर्वे एक ऐसा सर्वे होता है जिसमें किसी भी पॉइंट का लोकेशन हम जो बताते हैं वो एक एंगल के वैल्यू प्लस एक लेंथ के वैल्यू, एक एंगल और लेंथ दो वैल्यू हमको चाहिए होती है, जिसमें एक होता है एक एंगल दूसरा होता है लेंथ, ये होता है ट्रेवर्स। क्लोज ट्रेवर्स का मतलब क्या है, दो तरह का ट्रेवर्स होता है, यहाँ पे एक नाम तो दिया है क्लोज, दूसरा नाम देता है आपका ओपन ट्रेवर्स, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई ग्राउंड का आप सर्वे कर रहे हैं, तो इस ग्राउंड का आपको पूरा का पूरा सर्वे करना है, पूरा का पूरा मैप बनाना है, तो आप ये पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट, ये मान लो पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है ना, ये पॉइंट डी है, फिर पॉइंट ई फिर पॉइंट ए पे ही आके सर्वे को क्लोज कर दोगे। कहने का मतलब है यहाँ पे मैं आपको एक नेटवर्क बना के दिखा रहा हूँ, देखिए ए से बी की तरफ सर्वे किए, फिर बी से आपने सी की तरफ सर्वे किया, फिर सी से डी की तरफ सर्वे किया, फिर डी से ए की तरफ ए की तरफ सर्वे किया और ए पॉइंट पे आके क्लोज कर दिया, मतलब ए पॉइंट पे सेम पॉइंट पे आपका सर्वे स्टार्ट होता है और सेम पॉइंट पे आपका सर्वे क्लोज होता है। तो इस तरह का जो ट्रेवर्स की जाती है इसको बोला जाता है क्लोज ट्रेवर्स, क्लोज ट्रेवर्स, समझ में आ रहा है। ये किसी ग्राउंड का या फिर कन्फाइंड एरिया का जब हम ट्रेवर्सिंग करेंगे सर्वे करते हैं तो क्लोज ट्रेवर्सिंग की जाती है। ओपन ट्रेवर्स जैसे कि मान लो रेल रोड है, रेलवे ट्रैक आपको बिछानी है या फिर रोडवेज बिछानी है, तो उसका सेंटर लाइन आपको प्लॉट करना है, ठीक है, उसका सेंटर लाइन का सर्वे करना है, ये तो चलते जा रहा है ना, ऐसे ऐसे चलते जा रहा है, ये लाइंस आपके चलते जा रहा है, आप समझ रहे, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी ये पॉइंट सी ये पॉइंट डी, तो आप ऐसे चलते जा रहे हो सर्वे कर रहे हो एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड का, जैसे रेल रोड या फिर रेल या फिर रोड का अगर आप सर्वे करोगे तो ये एक तरह का ओपन ट्रेवर्स होगा। ये क्या होगा, इस तरह के ट्रेवर्स को हम बोलेंगे ओपन ट्रेवर्स, ओपन ट्रेवर्स। क्यों ओपन ट्रेवर्स, पॉइंट ए से आपने सर्वे स्टार्ट किया है बट पॉइंट डी पे क्लोज किया है, तो सेम क्लोजिंग सेम स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट नहीं है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे ओपन ट्रेवर्स। तो ये आपको एक बेसिक टर्म क्लियर हुआ। अब देखिए इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का क्या मतलब होता है, इसको समझिए। जैसे ये क्लोज ट्रेवर्स में देखो, ये जो क्लोज ट्रेवर्स है यहाँ पे देखिए ट्रेवर्स का डायरेक्शन क्या था, मैंने आपको बोला ए से बी गए, बी से सी, सी से डी, फिर डी से ए पे, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स इज दिस, क्या डायरेक्शन है, एंटी क्लॉक, इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉक आपका डायरेक्शन है ना, एंटी क्लॉक।
इंटीरियर एंगल बेसिकली क्या होता है, जैसे ये पॉइंट बी पे ले लो, तो ये जो एंगल है अंदर वाला ट्रेवर्स का नेटवर्क का जो अंदर वाला एंगल, दिस इज योर इंटीरियर एंगल। उसी तरह ये यहाँ पे ये वाला एंगल, ये वाले एंगल जो मैं अभी ब्लू से बना रहा हूँ, ये एंगल, ये सारे एंगल इंटीरियर होंगे। इसको क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर किसी भी स्टेशन पे, ये पॉइंट ए बी सी डी बेसिकली क्या है, दिस आर स्टेशन, किसी भी स्टेशन के स्टेशन पे बाहरी एंगल, ये जो एंगल होगा दिस इज योर एक्सटीरियर, ठीक है, ग्रीन वाला, और ये जो ब्लू वाला मैंने अभी बना के दिखाया आपको, दिस इज योर इंटीरियर। दो बातें आपको क्लियर है, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, क्लोज ट्रेवर्स, ओपन ट्रेवर्स, ओपन ट्रेवर्स रेल, रेलवेज या रोडवेज में किया जाएगा, ठीक है। सेम स्टार्टिंग एंड सेम क्लोजिंग पॉइंट नहीं होती, बट क्लोज ट्रेवर्स के केस में सेम स्टार्ट सेम क्लोज होता है, ओके। अब देखिए और एक चीज यहाँ पे मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अब वो इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे देखिए, जिससे कि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए जब आप क्लोज सर्वे करेंगे या फिर क्लोज ट्रेवर्स करेंगे, है ना, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स क्या है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसा, फिर डी से ए पे आके आपने क्लोज कर दिया, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, मैं एक एक करके दिखाते चलता हूँ, बताते चलता हूँ, देखना क्या करोगे आप। सबसे पहले कंपास स्टेशन ए पे सेट करोगे, फिर स्टेशन ए से बी को साइटिंग करोगे और बी का डायरेक्शन मेजर करोगे, इसका फोर बियरिंग मेजर किया, है ना, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा ए बी, ठीक है, ए से बी की तरफ का फोर बियरिंग मेजर किया, फिर ये हो गया मेजर, फिर ए से बी का लेंथ भी मेजर कर लिया, क्योंकि ट्रेवर्स में एंगल और लेंथ दोनों मेजर किया जाएगा, तो लेंथ भी मेजर कर लिया, फिर बी पॉइंट को ग्राउंड पे लोकेट करने के बाद पॉइंट बी पे आप जाके कंपास सेट किए, फिर पॉइंट बी पे आपने क्या किया, पॉइंट बी से आपने सबसे पहले तो बैक बियरिंग मेजर किया इस ए बी लाइन का, है ना, आपने क्या किया, बैक बियरिंग मेजर किया ए बी लाइन का, उसके बाद आप क्या करोगे, फिर बी से ये जो बी सी लाइन है इसका फोर बियरिंग भी मेजर करोगे, है ना, तो स्टेशन बी पे आपने दो ऑब्जर्वेशन लिया, पहले बैक बियरिंग मेजर किया ए बी लाइन का, फिर फोर बियरिंग मेजर किया बी सी लाइन का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बैक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन, फिर फोर बियरिंग ऑफ, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बीसी लाइन ट्रेवर समझा रहा हूँ, ठीक है, कोई नहीं समझाता, आप समझे भी नहीं होंगे, यहाँ समझ लीजिए, तो फोर बियरिंग ऑफ बीसी लाइन आप मेजर किए किसी एक स्टेशन से, कौन सा स्टेशन था, स्टेशन बी। तो ये जो चीज एक बार लिखा हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा, आप देखना। अब स्टेशन बी से काम हो गया, क्योंकि फोर बियरिंग आपने बीसी लाइन का फोर बियरिंग तो मेजर कर लिया, अब स्टेशन सी पे जाओगे, स्टेशन सी पे जाने के बाद आपका रोल क्या, आप सबसे पहले क्या करोगे, स्टेशन सी से आप सबसे पहले ये जो बीसी लाइन था इसका हम क्या मेजर करेंगे, इसका बैक बियरिंग मेजर कर लिए, बैक बियरिंग ऑफ बीसी लाइन, है ना, बीसी लाइन का बैक बियरिंग मेजर किए, फिर स्टेशन सी से और एक एंगल मेजर करोगे क्या, ये जो सीडी लाइन है आगे का सर्वे करोगे ना, तो सीडी लाइन का फोर बियरिंग मेजर करोगे, फोर बियरिंग ऑफ सीडी लाइन। तो देखिए फिर स्टेशन सी से आपने दो ऑब्जर्वेशन अगेन लिया, बैक बियरिंग फोर बियरिंग, इसी तरह से स्टेशन डी पे आप जब पहुंचोगे तो सबसे पहले बैक बियरिंग का रीडिंग लोगे, फिर फोर बियरिंग, बैक बियरिंग किसका, बैक बियरिंग सीडी लाइन का, ठीक है, यहाँ पे मेजर करेंगे आप बैक बियरिंग ऑफ सीडी, सीडी लाइन का बैक बियरिंग मेजर करेंगे, फिर फोर बियरिंग मेजर करेंगे आप डीए लाइन का, ठीक है, किसका, डीए लाइन का फोर बियरिंग मेजर करेंगे। उसके बाद स्टेशन डी पे सर्वे खत्म, फिर आप किधर आ जाएंगे, फिर आप स्टेशन ए पे आ जाएंगे, क्योंकि हम क्लोज सर्वे कर रहे हैं तो जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं पे आएंगे क्लोज ट्रेवर्सिंग में। फिर स्टेशन ए पे आके हमारा रोल किया है, स्टेशन ए से हम हमारा जो ये जो लाइन है कौन सा, डीए, हमारा सर्वे लाइन अभी कौन सा है, डीए सर्वे लाइन, इसका हम बैक बियरिंग मेजर कर लेंगे, बैक बियरिंग ऑफ डीए। तो इस तरह से आप सर्वे करते हो और क्लोज ट्रेवर्स करते हो, इस तरह से एंगल की मेजरमेंट चल रही है और लेंथ का भी मेजरमेंट आप साथ ही साथ करते चल रहे हैं, तो ये आपका ट्रेवर्स सर्वे कहलाता है। तो यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली पॉइंट है, जब भी क्लोज ट्रेवर्स की जाती है तो इसमें एट एवरी स्टेशन आप क्या मेजर कर रहे हैं, बैक बियरिंग एंड फोर बियरिंग रीडिंग इज टेकन, है ना, बैक बियरिंग एंड फोर बियरिंग रीडिंग इज टेकन, हर एक स्टेशन पे तो नहीं रहे ना बैक बियरिंग फोर बियरिंग, ये स्पेशलिटी है क्लोज ट्रेवर्स की, समझ गया बाबू लोग, आगे ओपन ट्रेवर्स में ऐसा नहीं होता है। ओपन ट्रेवर्स में देखिए, ओपन ट्रेवर्स करने का मतलब है, यहाँ सर्वे ए से चालू किया, मान लो, देखो समझा रहा हूँ, समझना बाबू लोग, ये ए से सर्वे चालू किया, फिर ये आपका बी, फिर ये सी, फिर ऐसा कोई डी है, मतलब ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है, ये कोई पॉइंट ई है, ये एक तरह का ओपन ट्रेवर्स है।
तो देखिए इसमें चालू करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने एबी लाइन का फोर बियरिंग ऑफ एबी आपने मेजर किया है ना। एक मिनट यार लिख देता हूं ढंग से, आप भी क्योंकि आपको तो ड्राइंग बनानी है ना, कॉपी में रहेगी रिवीजन करोगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फोर बियरिंग ऑफ एबी लाइन मेजर कर लिया ठीक है, फोर बियरिंग ऑफ एबी लाइन। डायरेक्शन ऑफ सर्वे मेरा ये है ठीक है, दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ सर्वे। तो फोर बियरिंग ऑफ एबी लाइन मेजर करने के बाद आप पॉइंट बी पे जाओगे, स्टेशन बी पे जाके मशीन सेट किया, कंपास सेट किया। उसके बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो एबी लाइन है इसका बैक बियरिंग मेजर करोगे बीबी ठीक है, बीबी ऑफ एबी। फिर यही स्टेशन बी से आगे का सर्वे कंटिन्यू करने के लिए आपने क्या किया, फोर बियरिंग ऑफ बीसी मेजर किया, एफबी ऑफ बीसी। समझ में आ रहा है, सेम ये हो गया। फिर स्टेशन सी पे गए, स्टेशन सी पे जाके वही सबसे पहले बीबी ऑफ बीसी, बैक बियरिंग ऑफ बीसी है ना। उसके बाद फोर बियरिंग ऑफ सीडी, एफबी ऑफ सीडी, फोर बियरिंग ऑफ सीडी लाइन। फिर स्टेशन डी से सेम सर्वे, स्टेशन डी से क्या बीबी ऑफ सीडी, इसका बीबी आ जाएगा, बीबी ऑफ सीडी आपने लिया, बैक बियरिंग की रीडिंग ली। फिर स्टेशन डी से ही एफबी ऑफ डीई, फोर बियरिंग ऑफ डीई आपने लिया। फिर आपका लास्ट स्टेशन जब स्टेशन ई पे आप सेट कर रहे हो मशीन को, तो वहां से आपने क्या किया, सिर्फ एक ही रीडिंग आप ले रहे हो, क्या ले रहे हो, बीबी ऑफ डीई को ले रहे हो है ना, बीबी ऑफ डी लाइन आप मेजर कर रहे हो है ना। तो यहां पे देखो यार, ओपन, ये ओपन ट्रेवर्स है, तो ओपन ट्रेवर्स के केस में क्या होगा, जो पहला स्टेशन होता है वहां पे केवल फोर बियरिंग की रीडिंग होती है, जो लास्ट स्टेशन होती है वहां पे केवल बैक बियरिंग की रीडिंग होती है, बाकी जितने भी इंटरमीडिएट स्टेशन है बी सी डी हर एक स्टेशन पे फोर बियरिंग बैक बियरिंग, फोर बियरिंग बैक बियरिंग, फोर बियरिंग बैक बियरिंग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में घुमा के स्टेटमेंट पूछ देगा, अब कंफ्यूजन होगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, समझ के रखिए ठीक है। तो ये आपकी ओपन ट्रेवर्स है, लिख देता हूं भाई, दिस इज योर ओपन ट्रेवर्स, समझ गए बाबू लोग, ये ओपन ट्रेवर्स और ये आपका क्लोज ट्रेवर्स का वो एग्जांपल, ओके। तो ये कुछ स्पेशलिटी थी। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना अपन लोग, क्वेश्चन किया, ये तो आपको समझा दिया ट्रेवर्स रिवर्स के बारे में कॉन्सेप्ट, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्लोज ट्रेवर्स। अच्छा इंटीरियर एंगल का बात आ गया, इस पर तो ज्यादा मैं बात ही नहीं किया। देखो एक बात बताता हूँ, इंटीरियर एंगल, एंगल वेंगल का एक बात बताता हूँ, सुनना मेरा बात, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, चलो एक छोटी सी चीज से स्टार्ट करते हैं, एक ट्राइंगल त्रिकोण, ये स्टेशन ए, स्टेशन बी, स्टेशन सी। आपने मान लीजिए स्टेशन ए से सर्वे चालू किया, फिर बी पे गए, फिर सी पे गए, फिर सी से ए का सर्वे कर लिया, तो ये भी तो एक तरह का क्लोज ट्रेवर्स होगा। तो यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल है कौन सा, ये मान लो थीटा ए, ये मान लो थीटा बी, ये मान लो थीटा सी, ये मान लो थीटा सी एंगल है। तो होता क्या है ना, मैं आपसे पूछूंगा कि ये ट्रायंगल के केस में ये जो थीटा ए प्लस थीटा बी प्लस थीटा सी का वैल्यू बताओ बाबू लोग, फटाक से एकदम जवाब से स्पीड में, सर मेरे को आता है अपन जानता है, बताओगे 180 डिग्री है क्या रे बेटी, क्यों चिल्ला रही है रे भाई, पढ़ाने दो, क्या बताओगे 180 डिग्री है ना, ये बता दिया। लेकिन ये आया कैसे, फॉर्मूला एक बताता हूं, 2n-4 ब्रैकेट क्लोज गुना 90, क्या मतलब है इसका, n मतलब नंबर ऑफ एंगल, नंबर ऑफ एंगल कितना है, 3, 1, 2, 3, तो 2 × 3, 6 − 4 × 90, तो कितना हो गया, 6 − 4, 2 × 90 इक्वल टू 180 डिग्री है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, फॉर एनी बता रहा हूं, क्लोज ट्रेवर्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल टू 2n − 4 × 90। यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल, अगर आपने सर्वे ढंग से कर रखा है, सर्वे सही से कर रखा है, ट्रेवर्सिंग अच्छे से कर रखा है, कोई गलती नहीं किया है काम काज करने में, तो
ये जो आप चेक लगाओगे ट्रेवर्स करने के बाद इंटीरियर एंगल तो हमारा निकल जाएगा। इंटीरियर एंगल अब ये कैसे निकल जाएगा, अभी मैं आपको समझाता हूँ फिर से, इसका भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये तो इंटीरियर एंगल क्लोज ट्रेवर्स करने के बाद निकल जाएगा, फिर उसके बाद जब चेक लगाओगे तो वो 2n-4 गुना 90 के बराबर का जो वैल्यू है वो, फिर वो जो भी वैल्यू आएगा इन एंगल को जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये चेक है, अगर ये अनइक्वल है मतलब आपका ट्रेवर्स में एरर है। अब ये एरर कैसा हो सकता है, कंपास को यूज करो ट्रेवर्सिंग करने में, तो ये एरर क्या हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, फिर और कौन सा होगा, नेचुरल जो कि लोकल अट्रैक्शन का इफेक्ट है ना। अब देखो ये फोर बियरिंग बैक बियरिंग यूज करके हम इंटीरियर एंगल को कैसे निकालेंगे, सुनना मेरा भाई बात को सुनना। देखिए आप कोई भी ट्रेवर्स कर रहे थे तो उसका एक छोटा सा पीस ले लेते हैं, कोई भी एक स्टेशन मान लीजिए, ये कोई एक स्टेशन है तो एक स्टेशन से ट्रेवर्स में तो दो लाइन तो आपको दिखेगा ही, तो ये मान लो स्टेशन नंबर बी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल है वो बेसिकली क्या है, ये वाला जो एंगल है इन दोनों के बीच में है ना, तो ये थीटा भी यही आपका इंटीरियर एंगल है। तो ये आप इंटीरियर एंगल यहाँ पे कैसे निकाल सकते हो स्टेशन बी पे, तो देखिए लेट सपोज ये कोई ए पॉइंट है, ए के ए से आ रहा है स्टेशन ए से, और इधर कोई आपका सी स्टेशन था है ना, ए बी सी हो गया। आप स्टेशन बी पे ये थीटा बी इंटीरियर एंगल निकालने का कोशिश कर रहे हो, तो सबसे पहले ये बना लो ट्रू मेरिडियन वगैरह बना लो, तो ये हमने बना लिया नॉर्थ बना लिया है ना, फिर उसी तरह से आप बना लो ये वाला लाइन भी बना लो भाई, ठीक है, नॉर्थ साउथ हो गई, ये नॉर्थ साउथ हो गई, ये हो गई आपकी ईस्ट और वेस्ट, ओके। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गई, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, इट इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, इट इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट, बारंबार बोल रहा हूं। अब देखो तो स्टेशन बी से आपके पास दो रीडिंग पहले से प्रेजेंट है, और वो दो रीडिंग क्या है, अच्छा आप डायरेक्शन ऑफ सर्वे मान लीजिए ऐसा है, मतलब ए से बी पे आए होंगे, बी से सी पे आए होंगे, ऐसा डायरेक्शन ऑफ सर्वे को भी मैंने डिफाइन कर दिया। तो एट स्टेशन बी आपके पास दो रीडिंग पहले से अवेलेबल है, कौन कौन से, देखिए बैक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन मालूम है आपको, बी बी ऑफ ए बी, दूसरा एफ बी ऑफ फोर बियरिंग ऑफ क्या मालूम है, बी सी मालूम है। इन दोनों को यूज करके हम ये थीटा बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे देखो एंगल बनाओ, कुछ नहीं करना है यार, लाइन वाइन ढंग से बनाना है बस, ओके। हम बियरिंग जब भी मेजर नॉर्थ से मेजर कर रहे हैं, तो बैक बियरिंग ऑफ ए बी का वैल्यू क्या है, ये ग्रीन वाला यहां से यहां तक, दिस इज योर बी बी ऑफ ए बी, बी बी ऑफ ए बी। नाउ दूसरा कलर लेता हूं एफ बी ऑफ बी सी को दिखाने के लिए, एफ बी और बी सी, एफ बी ऑफ बी सी को मैं दिखाऊंगा पिंक कलर से, पिंक पिंक। तो एफ बी ऑफ बी सी आपका ये वाला एंगल हो गया, ठीक है, पिंक से देखो एफ बी ऑफ बी सी। तो मुझे क्या बतानी थी, ये इंटीरियर एंगल बतानी थी, तो यहां से मेरे को ढंग से दिख रहा है कि ये क्या होगा, बी बी ऑफ ए बी माइनस एफ बी ऑफ बी सी अगर हम करेंगे तो हमें इंटीरियर एंगल थीटा बी निकल जाएगा। तो ध्यान रहे बाबू लोग, किसी भी स्टेशन पे कंपास ट्रेवर्स का, किसी भी स्टेशन पे इनक्लोज ट्रेवर्स तो कोई भी स्टेशन ले लो, इन ओपन ट्रेवर्स इंटरमीडिएट स्टेशन ले लो पहला और लास्ट को छोड़ के, तो किसी भी स्टेशन पे जो दो रीडिंग मिला है बैक बियरिंग फोर बियरिंग उनका अगर डिफरेंस ले लोगे तो जो एंगल का वैल्यू मिलेगा वो उन ट्रेवर्स लाइन के बीच का इंक्लूडेड एंगल या फिर इंटीरियर एंगल का वैल्यू बता रहा होगा। समझ में आ रहा है, ये वैल्यू बता रहा होगा इंटीरियर या फिर इंक्लूडेड एंगल का इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स, अगर आप एनालिसिस जो कर रहे हैं इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स कर रहे हैं, इन रिवर्स डायरेक्शन करोगे तो आपको एक्सटीरियर एंगल दे देगा, ये वाला वैल्यू दे देगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, अब ये जो चीज बोला हूं क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे ढंग से समझ में आ जाएगा। चलिए जो पहला क्वेश्चन है इसी में अप्लाई कर डालते हैं अपन लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया है, कंसेप्ट कंसेप्ट ही सीख रहे हैं। अब देखो भाई समझ में आएगा, द इंटीरियर एंगल ऑफ क्लोज ट्रेवर्स ए बी सी डी आर मेजर्ड एज एंगल ए इक्वल टू इतना, मतलब कितना, एंगल ए 76 डिग्री इतना, एंगल बी इक्वल टू इतना, फिर आगे है, अच्छा ये क्वेश्चन आगे है ठीक है, एंगल सी इक्वल टू इतना,
द बियरिंग ऑफ इनिशियल लाइन, ये दोनों दो पार्ट में क्वेश्चन इन्होंने चिपका दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन कहीं से भी कॉपी किया होगा, वो समझ नहीं पाए होंगे आपके टीसीपी वाले कि क्वेश्चन को एक ही साथ रखना है, उन्होंने दो अलग अलग क्वेश्चन उन लोगों ने सोचा, ठीक है, बट ये क्वेश्चन पूरा डेटा सारा का सारा एक ही क्वेश्चन का है, ओके, एक ही क्वेश्चन का है, देखिए पढ़िए, मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये करके, है ना, अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको। द इंटीरियर एंगल ऑफ क्लोज ट्रेवर्स ए बी सी डी, कोई एक ए बी सी डी एक क्लोज ट्रेवर्स है जिसका इंटीरियर एंगल का बात कर रहा है, एंगल ए मतलब स्टेशन ए पे इंटीरियर एंगल, स्टेशन बी पे इंटीरियर एंगल का वैल्यू आपको बताया गया है, प्लस आपका एंगल सी, जो एंगल सी है उसका वैल्यू आपको बताया गया है ना, इंटीरियर एंगल सी, उसके बाद पूछा गया है द बियरिंग ऑफ इनिशियल लाइन, अच्छा ये भी बताया गया है द बियरिंग ऑफ इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन क्या है, ट्रेवर्स आपका क्या था ए बी सी डी ऐसा, तो इनिशियल लाइन क्या होगा, ए से बी रहा होगा, तो बियरिंग ऑफ इनिशियल लाइन जो है उसका जो फोर बियरिंग है ना, इनिशियल लाइन का क्या बियरिंग दिया है, कौन सा मेजरमेंट लोगे पहला, फोर बियरिंग, फोर बियरिंग इज इतना, 217 डिग्री 50 मिनट 20 सेकेंड। फिर क्वेश्चन जो आपसे पूछा है द बियरिंग ऑफ लाइन बी सी विल बी, जो बी सी लाइन है उसका बियरिंग क्या होगा, उसका फोर बियरिंग क्या होगा, देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो आपको पहले ये ट्रेवर्स बनाना बहुत जरूरी है, तो ये ट्रेवर्स बनाने के लिए आपको ये एंगल वगैरह को समझना भी बहुत जरूरी है ना, ये बात तो क्लियर है, जो सर्वे की गई है क्लोज ट्रेवर्स ए से बी पे, फिर बी से सी पे, फिर सी से डी पे, फिर डी से ई पे, फिर ई से ए पे आया गया है। अब यहां पर भी ये देखो, ठीक है, जो पहला लाइन होगा ए बी लाइन आपका पहला होगा ट्रेवर्स में, तो जो पहला लाइन है उसका जो फोर बियरिंग है वो है 217 डिग्री इतना, मतलब क्या इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से अगर ज्यादा है ये बियरिंग, तो कहने का मतलब है देखो ये मैं बता रहा हूं आपको नॉर्थ है ना, ये साउथ, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, मुझे ये बताओ ग्रेटर देन 180 डिग्री अगर बियरिंग है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आपका लाइन ए बी शुरू हुआ होगा, मतलब ए पॉइंट आपका यहां पर होगा कहीं पे, ये ए और ए बी लाइन आपका इस क्वाड्रेंट में शुरू हुआ होगा, तभी तो आपका ये जो रीडिंग की वैल्यू है बियरिंग का, फोर बियरिंग इसका वैल्यू आएगा 217 डिग्री 50 मिनट 20 सेकेंड। समझ में आ रहा है बात, लॉजिक क्लियर है, तो चलिए मैं इसी को अभी ट्रेवर्स आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है, ये ट्रेवर्स आपको दिखाते हैं, अच्छे से समझिए, ये सारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो यहां पर कहीं पर मेरा स्टेशन ए है, इसका मतलब ये हुआ दिस इज माई स्टेशन ए, दिस इज नॉर्थ है ना, नॉर्थ साउथ। अब ए बी लाइन जो है मेरा वो ए बी लाइन ये वाला लाइन है, ए बी, लेट्स सपोज दिस इज माई ए बी लाइन, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है यहां पर, तो यहां पे भी मैं नॉर्थ साउथ बना देता हूं लाइक दिस, तो ये मेरा स्टेशन बी है, ओके, मेरा डायरेक्शन ऑफ सर्वे क्या है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्स ऐसा चल रहा है, मतलब मैं कैसा चल रहा हूं, क्लोज ट्रेवर्स है तो इस तरह से मैं चलूंगा ऐसा, मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखिए तो ये बियरिंग आपको दिया हुआ है, फोर बियरिंग कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये जो फोर बियरिंग का वैल्यू था, क्वेश्चन किधर गया, क्वेश्चन किधर गया, कितना दिया हुआ ये वैल्यू, ये जो वैल्यू दिया हुआ था, ये वैल्यू आपको दिया हुआ था 217 डिग्री 50 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज फोर बियरिंग ऑफ ए बी लाइन है ना, ये ए बी लाइन का फोर बियरिंग है। तो आप मुझे ये बता दो, क्या आप अभी ये ए बी लाइन का बैक बियरिंग बता पाओगे, ये वाला वैल्यू बैक बियरिंग ऑफ ए बी, बी बी ऑफ ए बी, बी बी ऑफ ए बी क्या होगा, बैक बियरिंग ऑफ ए बी होगा आपका फोर बियरिंग एफ बी ऑफ ए बी, ठीक है, जो भी एफ बी ऑफ ए बी माइनस 180 डिग्री, क्यों, ये कौन सा केस चल रहा है, ये वो केस चल रहा है जब आपका फोर बियरिंग ऑफ एनी लाइन इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो ऐसे केसेस में उसका बैक बियरिंग उसी लाइन का हमको निकालना है, तो हम क्या करते हैं, फोर बियरिंग से 180 डिग्री घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ये जो वैल्यू आएगी बैक बियरिंग ऑफ ए बी, तो देखो ये वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री 50 मिनट 20 सेकेंड आ जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है बीसी लाइन का है ना, बीसी लाइन का फोर बियरिंग क्या होगा, एफ बी क्या होगा, बीसी लाइन का फोर बियरिंग क्या होगा, ये पूछा है, मतलब जब सर्वे आप आगे कंटिन्यू करोगे, दिमाग लगाना, यहाँ पे विजुअलाइजेशन और दिमाग लगाने की बहुत जरूरी है,
जब आप सर्वे आगे कंटिन्यू करोगे तो कोई एक लाइन बनाओगे, मान लो यहाँ पे स्टेशन सी है या फिर इधर स्टेशन सी है, वो कहीं भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पर है इस पॉइंट पे तो ऐसा एक लाइन आप बनाओगे, या फिर अगर इधर है मान लो स्टेशन सी तो आप ऐसा एक लाइन बनाए होंगे। तो ये जो भी कोई भी पोजिशन हो सकती है, या फिर ये कोई भी पोजिशन हो सकती है। तो आपसे पूछा है कि इसका बियरिंग क्या है, ये बताओ फोर बियरिंग क्या है। बीसी बीसी का फोर बियरिंग, तो मतलब जो स्टेशन बी से आप सी की तरफ जो मेजरमेंट लिए हैं है ना एंगल का, वो एंगल पूछ रहा है। तो वो एंगल हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए एक बात तो हमको क्लियर है ना कि ये जो लाइन है बी ए वाला लाइन और बी सी, ये जो आगे आप मेजर करोगे ये लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल आपको दिया हुआ है, एंगल सी बताया गया है इंटीरियर एंगल। और एंगल सी का जो वैल्यू है देखो ध्यान से जरा, वो कितना है 98 डिग्री 12 मिनट 40 सेकेंड। इंटीरियर एंगल एंगल सी बताया है कॉपी पे, एक कॉपी बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन में बताया है, देखो है ना यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखिए एंगल सी इक्वल टू इतना है ना। तो ये देखो अगर एंगल सी दिया हुआ है तो इसका मतलब साफ है ना। जरा ये देखो ये कंप्लीट नहीं हो जा रहा है क्या, मतलब बैक पियरिंग ऑफ ए बी अगर आपने निकाल लिया है, एक मिनट, अगर आपने ए बी का बैक बियरिंग निकाल लिया है जो कि कौन सा एंगल है, ये वाला, एक मिनट चेंज करने दो, जो कि ये वाला एंगल है बैक बियरिंग ऑफ ए बी, प्लस अगर आपको एंगल सी इंटीरियर एंगल ये वाला एंगल मालूम है, तो क्या इन दोनों को मैं ऐड कर देंगे तो क्या मुझे ये पूरा एंगल नहीं मिल जा रहा है? यही पूरा एंगल तो आपका होगा फोर बियरिंग ऑफ बी सी। तो कॉन्सेप्ट क्या यूज किए, फोर बियरिंग किसी भी स्टेशन से निकालने का, अगर इंटीरियर एंगल आपको पता है तो बैक बियरिंग प्लस इंटीरियर एंगल। तो नेक्स्ट स्टेशन का फोर बियरिंग क्या होगा है ना, फोर बियरिंग ऑफ नेक्स्ट स्टेशन मालूम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये दिमाग लगाना है, इसलिए मैंने इतना सारा लाइन वाइन बना के ये ट्रेवर्स आपको समझाया, ओपन क्लोज फलाना ढिमकाना सब कुछ, फोर बियरिंग बैक बियरिंग, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? तो इस तरह से ये लॉजिक है। तो मैं तो एक समझा रहा हूँ, आप बार बार इसी तरह से अप्लाई करते रहना। हम लोग क्लोज ट्रेवर्स जो पढ़ते हैं, अलग अलग 5-6 तरह का क्लोज ट्रेवर्स करते हैं, बहुत डिटेल में एनालिसिस करते हैं उसका है ना, हर एक तरह से गंदगी से मतलब गंदे टाइप से है ना, ठीक है, मजा आ रहा है दोस्त, मजा आ रहा है। तो क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ऐड कर दो किसको, एंगल सी को और बैक बियरिंग जो आपने निकाल रखा है, ऐड कर देगा दोनों को। तो मैंने निकाल रखा है बैक बियरिंग प्लस इसमें मैं ऐड कर देता हूँ एंगल सी 98 डिग्री 12 मिनट और 40 सेकेंड ऐड कर दिया। तो ये आ रहा है मेरा देखो फोर बियरिंग ऑफ बी सी 136 डिग्री, अरे अरे सॉरी 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 मेरे भाई, ये स्टेशन बी है ना तो आपको एंगल बी का वैल्यू चाहिए, सॉरी यार एंगल बी का वैल्यू चाहिए, कॉन्सेप्ट वही है बस है ना, हम सोचे स्टेशन सी है, एंगल बी का वैल्यू चाहिए। तो एंगल बी का वैल्यू कितना है, एंगल बी का वैल्यू जो है वो आपका है कितना था भाई, एंगल बी का वैल्यू देख लो 112 डिग्री 12 मिनट। तो इसमें 112 डिग्री 12 मिनट में ऐड करो 37 वाला, तो 112 डिग्री 12 मिनट प्लस 37 डिग्री 50 मिनट 20 सेकेंड तो ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये आ जाएगा आपको ये वैल्यू आ जाएगा फोर बियरिंग ऑफ बी सी लाइन, ठीक है, ये वैल्यू आपको मिलेगी 150 डिग्री जस्ट। तो ये वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा 150 डिग्री 2 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है 20 सेकेंड। अच्छा ये चीज भी देखना, डिग्री को गोल लिखते हैं, मिनट लिखना है तो एक डैश, सेकेंड लिखना है तो डबल डैश, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल सिंपल तरीके से चीजों को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन पढ़िए भाई साहब, क्वेश्चन पढ़िए, इफ द क्वाड्रेंटल बियरिंग, समझा रखा है सब कुछ, क्वाड्रेंटल बियरिंग दिया है साउथ 31 डिग्री 35 मिनट ईस्ट, कहने का मतलब है ये आपका नॉर्थ साउथ फलाना ढिमकाना, तो ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ ए लाइन साउथ से मेजर किया गया है ईस्ट की तरफ और कितना है 31 डिग्री
35 मिनट, होल सर्कल बियरिंग क्या होगा, ये वाला एंगल। तो क्या करना है, 180 डिग्री में से इतना घटा देना, तो कितना आ जाएगा, 148 डिग्री 25 मिनट। अब देखो यही चीज है, कॉन्सेप्ट सीखने का यही है, कॉन्सेप्ट एक बार सीख गया तो आंसर फटाफट लगाओगे, है ना। अब क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे देखिए, आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, क्वेश्चन बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बस ढंग से पढ़ो, चीजें अच्छे से बन जाएंगे। इफ द बियरिंग ऑफ साइड ए बी, एक कोई ट्रेवर्स है, क्लोज ट्रेवर्स, एक हेक्सागोन और क्लोज ट्रेवर्स है, इसका बोल रहा है ए बी का जो बियरिंग है, फोर बियरिंग, ये आप मेंशन है, देखिए 36 डिग्री 45 मिनट, है ना, ये ट्रेवर्स है, शोन इन द फिगर इज इतना, द बियरिंग ऑफ एडजेसेंट, क्या पूछा है, साइड बीसी ऑफ द ट्रेवर्सिस, मतलब ये जो बीसी लाइन है इसका फोर बियरिंग क्या होगा। अगर केवल बियरिंग लिखा है, मतलब आप यही समझिए कि फोर बियरिंग का पूछ रहा है, तो यहाँ बीसी पे ऐसा बना दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इस बीसी का फोर बियरिंग क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा हूँ, ये वाला एंगल क्या होगा, है ना, इसी को मैं बोलूंगा एफ बी ऑफ बी सी, ठीक है, एफ बी ऑफ बी सी का वैल्यू मेरे को बताओ। तो फोर बियरिंग ऑफ बी सी का वैल्यू कैसे बताएंगे, हमारे पास तो एक ही एंगल प्रेजेंट है, देखिए कॉन्सेप्ट, इंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, इंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है। अगर मुझे ये इंटीरियर एंगल मालूम है, दिस पर्टिकुलर इंटीरियर एंगल अगर मेरे को मालूम है, मान लो अगर मैं थीटा बी इंटीरियर एंगल निकाल लेता हूँ, ठीक है, एंगल बी, या फिर इसको थीटा नहीं लिखते हम, बेसिकली ऐसे लिखेंगे, इंटीरियर एंगल जो भी होता है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, एंगल बी, अगर हम किसी तरह से एंगल बी का वैल्यू पता कर लें, तो हम इजीली क्या पता कर सकते हैं, फोर बियरिंग ऑफ बी सी पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं पहले यही पे फॉर्मूला बनाता हूं, ठीक है, फॉर्मूला बनाता हूं कि बी सी का फोर बियरिंग कैसे पता लगा सकते हैं, हमको दिमाग लगाना है बस। देखो ये आपका एक लाइन जा रहा है, ये ए बी लाइन जा रहा है, ये ए बी लाइन हो गया, यहाँ पे नॉर्थ साउथ पहले अच्छे से ढंग से बना लो, देखते रहना आप डायग्राम पे नजर, नॉर्थ साउथ वगैरह बना लिया, ठीक है। अब देखिए जो बीसी लाइन है वो आपका कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट से ऐसे शुरू हो रहा है ना, दिस इज योर सी पॉइंट, आपको बीसी का फोर बियरिंग पूछा है, मतलब जो क्वेश्चन में जवाब पूछी है वो पूछिए ये वाला वैल्यू, ठीक है, ये एफ बी ऑफ बी सी, ये पूछा है आपसे फोर बियरिंग ऑफ बी सी, ये आपसे पूछा है, तो ये हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने बोला सबसे पहले आप क्या पता लगाइए, अगर हमारे पास ये वाला एंगल का वैल्यू मालूम है, कौन सा एंगल बी, इंटीरियर एंगल बी का वैल्यू अगर मेरे को मालूम है, प्लस और एक वैल्यू हम कैसे पता लगा सकते हैं, क्या पता लगा सकते हैं, देखिए हम बैक बियरिंग ऑफ ये ए बी लाइन का बैक बियरिंग पता लगा सकते हैं, यहां से यहां तक ये वाला एंगल, ये एंगल क्या होगा, बैक बी बी ऑफ ए बी, बैक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन, हम ये पता लगा सकते हैं। अब देखो कैसे, क्योंकि हमको फोर बियरिंग ऑफ ए बी मालूम है, तो बैक बियरिंग हमको पता चल जाएगा, कैसे, कितना पता चल जाएगा, बैक बियरिंग ऑफ ए बी क्या होगा, यहीं पे कैलकुलेट कर लो, 180 डिग्री प्लस 36 डिग्री 45 मिनट, मैंने आपको बता रखा था इफ फोर बियरिंग इज लेस देन 180 डिग्री, तो उस लाइन का बीबी क्या होगा, 180 डिग्री प्लस फोर बियरिंग, हां तो निकाल लिया, तो बैक बियरिंग इतना इस लाइन का, तो आपको आपके पास इस लाइन का आपके पास बैक बियरिंग मालूम है, और अगर इंटीरियर एंगल मालूम है तो बीसी लाइन का फोर बियरिंग मालूम हो जाएगा, कैसे, एफ बी ऑफ बीसी को मैं क्या लिखूंगा, देखना, बीबी ऑफ ए बी, बीबी ऑफ ए बी, बैक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन लिख सकता हूं, माइनस इंटीरियर एंगल, एंगल बी, यही तो है, यही तो करेंगे तो हमको फोर बियरिंग ऑफ बीसी निकल जाएगा, तो बैक बियरिंग ऑफ ए बी तो आपको मालूम है, निकाल लिया, तो ये एंगल बी कैसे निकालोगे, देखो इसके लिए फिर दिमाग लगाओ, ये भी बता रखा हूं, ये हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन में होता क्या है, बेसिकली देखिए होगा ये कि जितने भी एंगल है, चाहे एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, एंगल ए, ये सारे एंगल सेम होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स, अगर नहीं दिया है तो आप यही मान के चलिए, और हेक्सागोन इक्वल एंगल्स होगा, सारा जितना भी इंटीरियर एंगल होगा सभी एंगल इक्वल होगा, ठीक है, तो अब ये इक्वल एंगल होगा तो कितना इक्वल एंगल होगा, ये इंटीरियर एंगल हमको निकालना है, तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बता रखा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या बता रखा है, नंबर ऑफ एंगल गुना क्या करना है आपको, दो माइनस चार गुना 90 कर दो मेरे भाई, तो ये होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ आई ए इंटीरियर एंगल,
तो नंबर ऑफ एंगल हेक्सागोन में कितना, 6 × 2 − 4 × 90 है ना, तो ये कितना आ गया 720, 720 डिग्री। हर एंगल इक्वल है तो ईच एंगल कितना, 720 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 120 डिग्री। देखो करो यार, 720 डिवाइडेड बाय 6 वही यार 120 डिग्री। तो एंगल बी जो है ये कितना है, 120 डिग्री, समझ में आ रहा है। सो फोर बियरिंग ऑफ बीसी ये निकालना था, इक्वल टू क्या है, फोर बियरिंग ऑफ बीसी निकालने के लिए आप निकालो पहले बैक बियरिंग ऑफ ए बी निकालो। तो बैक बियरिंग ऑफ ए बी फटाक से निकल जाएगा चुटकी में, एक चुटकी में कैसे 180 डिग्री ऐड कर देंगे, तो बैक बियरिंग ऑफ ए बी इक्वल टू हो जाएगा 216 डिग्री 45 सेकेंड, सॉरी 45 मिनट, माइनस 120 डिग्री इक्वल टू, फोर बियरिंग ऑफ बी सी इक्वल टू 96 डिग्री 45 मिनट। ये हो जाएगा आपका फोर बियरिंग ऑफ बी सी। तो देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में था भी और थोड़ा सा ही नीचे था 90 डिग्री से, डायग्राम में भी ऐसा ही दिखाया हुआ है देखिए, है ना। तो और ये एंगल का वैल्यू भी आया कितना, 96 डिग्री 45 मिनट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इतना सिंपल होता है, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो देखो उसी तरह का जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसी तरह का एक क्वेश्चन आपके सामने और आ गया है। इस क्वेश्चन कुछ है नहीं, आपको यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, ए बी लाइन कुछ है, ए बी लाइन यहाँ पे आपको लाइन दिख रहा है, इसका बियरिंग आपको दिया है इतना, है ना, इतना यहाँ पे एंगल वैल्यू गिवन है, एंड एंगल ए बी सी ये वाला एंगल आपको गिवन है, यहाँ पे ये एंगल आपको गिवन है, ठीक है, ये एंगल भी आपको दे दिया गया है, प्लस आपसे पूछ रहा है क्या, एंड बी सी मतलब ये जो ए बी लाइन है और बी सी लाइन है इनके बीच का जो ये जो एंगल है, ये एंगल 110 डिग्री इतना दे दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि बियरिंग ऑफ बी सी क्या होगा, ये बी सी है तो बी सी का फोर बियरिंग क्या होगा। यार सिंपल इसी तरह का क्वेश्चन है, तो बनाओ कैसे, पहले फॉर्मूला बना लो। अब इस तरह का चीज जब भी पूछे पहले फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला कैसे बनाओगे, बी स्टेशन को बनाओ, यहां से ये इस तरह से ये लाइन शुरू हो रही है सी, ये स्टेशन बी था, ठीक है, ये बी था, फिर इधर से लाइन आ रही थी आपकी ए। अब देखिए हमको बेसिकली क्या बतानी है, आंसर क्या बतानी है, आंसर बतानी है ये वाली एंगल क्या होगी, ये हमको बतानी है, फोर बियरिंग ऑफ एफ बी ऑफ बी सी बतानी है ना। तो एफ बी ऑफ बी सी, एफ बी ऑफ बी सी को मैं कैसे लिखूंगा, तो देखिए मेरे पास, मुझे क्या चाहिए इसको निकालने के लिए, मुझे क्या चाहिए, अगर देखो यहां पे सबसे पहले तो मेरे पास ये वाला एंगल, एंगल का भी वैल्यू मेरे को मालूम है, ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूं एंगल बी, मुझे ये एंगल का वैल्यू मालूम है, प्लस फोर बियरिंग दिया हुआ है ए बी लाइन का, ये ए बी का फोर बियरिंग दिया है, तो कहीं ना कहीं मैं ए बी का बैक बियरिंग निकाल सकता हूं। ये बी बी ऑफ ए बी को निकाला जा सकता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो देखिए मैं अब क्या करूंगा, सबसे मैं अगर इस वाले एंगल को निकाल लूं किसी तरह से, ये वाला पोर्शन इतना एंगल, ठीक है, लेट सपोज इसको मैं कुछ कहता हूँ एंगल बी डैश कह देता हूँ, इसको बी डैश कह दिया, अगर मैं ये एंगल बी डैश को किसी तरह निकाल लूँ तो मेरा क्या होगा। तो सबसे पहले देखो ये एंगल बी डैश हम कैसे निकाल सकते हैं, ये एंगल बी डैश को हम निकाल लेंगे बाई 360 डिग्री माइनस क्या कर देंगे, बी बी ऑफ ए बी। ध्यान से देखो डायग्राम को, तो क्या मेरे को ये एंगल बी डैश मालूम हो जाएगा, एंगल बी डैश मेरे को मालूम हो गया। अब बी डैश का मैं ये करूंगा क्या, देखो ये एंगल बी डैश मालूम करने के बाद मैं करूंगा क्या, मैं फोर बियरिंग ऑफ बी सी निकालने के लिए व्हाट आई विल डू, मैं करूंगा ये, मैं लिखूंगा पहले बी बी ऑफ ए बी, लिखा बी बी ऑफ ए बी, इसमें से मैं घटाऊंगा क्या, इसमें से मैं ये घटाऊंगा, इसमें से मैं कुछ भी नहीं घटाऊंगा, ये बी बी ऑफ ए बी मेरे को देखना ही नहीं है, मेरे को तो ये फोर बियरिंग निकालना है या नॉर्थ से निकालना है, तो ये तो एक ही स्टेप में निकल जाएगा। अगर आपने एंगल बी डैश निकाल लिया है ना, तो आप क्या करिए, एंगल बी माइनस एंगल बी डैश सिंपल है, इतना कर देंगे तो हमको फोर बियरिंग ऑफ बी सी निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। एंगल बी, एंगल बी कहां से कहां था, ये पूरा वाला एंगल एंगल बी है, ठीक
है, और बी डैश को तुमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, तो एंगल बी माइनस बी डैश कर देंगे तो एफ बी और बी सी निकल जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला बनाना है जो भी एंगल वेंगल पूछेगा, तो लॉजिक समझ रहा है ठीक है, आपको ऐसे ही करते चलना है। तो चलिए एक एक करके कैलकुलेट कर लें। तो पहले हम बी डैश निकालना है, तो हमको बी बी ऑफ ए बी चाहिए, तो बी बी ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, देखो बी बी ऑफ ए बी निकालने के लिए एकदम सिंपल, अगेन फोर बियरिंग इज लेस देन 180 डिग्री, फोर बियरिंग अगर 180 डिग्री से कम है तो बैक बियरिंग उस पर्टिकुलर लाइन का निकालने के लिए उसमें क्या करिए, जो भी फोर बियरिंग दिया है उसमें आप 180 डिग्री ऐड कर दीजिए, तो 150 डिग्री 15 मिनट प्लस 180 डिग्री हो जाएगा आपका बैक बियरिंग ऑफ ए बी। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल बी डैश इक्वल टू 360 डिग्री माइनस बी बी ऑफ ए बी, 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस इतना, तो ये एंगल बी डैश इक्वल टू आ जाएगा आपका 29 डिग्री 45 मिनट, ये बी डैश निकल गया। तो अब फोर बियरिंग ऑफ बी सी, एंगल बी 130 110 डिग्री 30 मिनट माइनस 29 डिग्री 45 मिनट कर दो भाई। तो आप ये करेंगे घटाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 80 डिग्री 45 मिनट। देखिए आ रहा है, समझ रहे हो, कुछ है सवाल में ना, है ना। इस तरह से फॉर्मूला बनाइए, अप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट दी होल सर्कल बियरिंग टू रेड्यूस बियरिंग, ये तो और भी कुछ भी नहीं है, डब्ल्यू सी बी है, उसको रेड्यूस बियरिंग में आपको कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर लोगे भाई, क्या है डब्ल्यू सी बी, आपको दिया हुआ है कितना 336 डिग्री, मतलब 270 से ज्यादा है ना, ग्रेटर देन 270, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा होगा, ये आपका नॉर्थ है ना, तो यहाँ पे कहीं पे लाइन है, ये आपका साउथ है, तो ये आपको दिया हुआ है ये एंगल कौन सा 336 डिग्री 40 इतना मिनट, तो आपको बतानी है इसका रेडियस बियरिंग, ये वाला एंगल बतानी है ना, ये आपका वेस्ट है, तो जो रेडियस बियरिंग आप लिखोगे ये एंगल जो भी है थीटा, तो नॉर्थ थीटा वेस्ट, तो पहले देखो नॉर्थ और वेस्ट के फॉर्म में क्या लिखा है, यहीं से देख लो ना, नॉर्थ और वेस्ट के फॉर्म में बस यही एक कॉम्बिनेशन है, बाकी किसी में नहीं है, कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं पड़ा। हाँ नॉर्थ 23 डिग्री 20 मिनट वेस्ट है ना, तो ये हो जाएगी आपकी रेडियस बियरिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेवर्सिंग सर्वे, इनमें से कौन सा सर्वे का फॉर्मेट ट्रेवर्सिंग सर्वे के फॉर्म का नहीं है, चेन एंड कंपास ट्रेवर्सिंग सर्वे होता है, चेन सर्वे भी एक तरह का ट्रेवर्सिंग होता है, उसमें भी हम ट्रेवर्सिंग करते हैं ठीक है, आप चेन एंड कंपास सर्वे कहिए या फिर केवल चेन सर्वे कहिए, उसमें भी ट्रेवर्सिंग की जाती है, प्लेन टेबल सर्वे में भी ट्रेवर्सिंग की जाती है, उस प्लेन टेबल सर्वे का तो मेन मेथड है ट्रेवर्सिंग, तो मेन मेथड है पीटीएस का, है ना, पीटीएस का मेन मेथड है ट्रेवर्सिंग, प्लेन टेबल सर्वे का जो प्रिंसिपल है दैट इज पैरेललिज्म, पैरेललिज्म जो प्लेन टेबल सर्वे होता है इट इज सुटेबल फॉर ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन के लिए सुटेबल है, तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है, प्लेन टेबल सर्वे का ये डिसएडवांटेज भी है याद रखना। कहने का मतलब क्या है, देखिए ट्रॉपिकल रीजन कहने का मतलब ऐसा रीजन जहां पे बारिश वगैरह नहीं हो, प्लेन टेबल सर्वे आप ओपन एरिया में करोगे, एक टेबल वगैरह रहेगी उसमें ड्राइंग शीट वगैरह लगा के कर रहे हो, तो सर्वे करते वक्त बरसात हो जाएगी, तो ऐसे कंडीशंस में जो भी ड्राइंग मैप वगैरह बनाए हो प्लॉटिंग किए हो सब बर्बाद हो जाएगा, इसलिए ये ट्रॉपिकल रीजन के लिए सुटेबल है, ऐसे एरिया जहाँ पे रेनफॉल होती है वहां के लिए ये सर्वे प्लेन टेबल सर्वे इज नॉट सुटेबल, और प्लेन टेबल सर्वे जनरली एक स्मॉल एरिया के लिए की जाती है ना, स्मॉल एरिया के लिए की जाती है प्लेन टेबल सर्वे, ये चीज भी आप ध्यान रखना। प्लेन टेबल सर्वे का जो मेन प्रिंसिपल है पैरेललिज्म है, या फिर कभी कभी इसी शब्द को ओरिएंटेशन के फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो वो भी सही है। ओरिएंटेशन, प्लेन टेबल सर्वे में बहुत सारे मेथड होते हैं, चार बेसिक मेथड है ठीक है, चार तरह का मेथड होता है ओके, रेडिएशन मेथड होता है, रिसेक्शन मेथड होता है, फिर एक कॉन्सेप्ट होती है ओरिएंटेशन की, एक कॉन्सेप्ट होती है ट्रेवर्सिंग की, तो ये सारा चार अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है ओके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो है आपका ट्रेवर्सिंग प्लेन टेबल सर्वे का, तो प्लेन टेबल सर्वे में तो ट्रेवर्सिंग होता ही होता है, ये सब ये सारे जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया ये अभी के लिए ध्यान रखना, आगे और क्वेश्चंस आएंगे तो स्पेशली पीटीएस के ऊपर तो वहां पे और डिस्कस करेंगे। टैचियोमेट्री सर्वे जो होता है ना, एक डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं टैचियोमीटर, टैचियोमीटर जो सर्वे होता है दिस इज नॉट ए ट्रेवर्सिंग, टैचियोमीटर को यूज करके हम ट्रेवर्सिंग नहीं करते ठीक है, टैचियोमीटर का बेसिकली जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ट्रैंगुलेशन में करते हैं, ट्रैंगुलेशन किस में करते हैं,
ट्रायंगुलेशन सर्वे के अंदर, याद रखिएगा। ट्रायंगुलेशन में बेसिकली क्या होता है, ट्रायंगुलेशन में बेसिकली जैसे कि यहाँ पे हमने टैचियोमीटर को फिट किया, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको फिट कर दिया, जैसे लेवल मशीन जैसा ही होता है, और एक कोई टावर है, ठीक है। अब इस टावर की आपको हाइट निकालनी है, तो टैचियोमीटर का हम इंक्लाइंड करेंगे, फिर ये एंगल मेजर कर लेंगे, एंगल वगैरह सब कुछ मेजर करने के बाद ये एंगल मेजर कर लेंगे, तो इससे हम एनालिसिस करके इसका टावर का हाइट बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है, लेवलिंग के पर्पज से इसका यूज कर सकते हैं, फिर ट्रायंगुलेशन सर्वे में इसका यूज कर सकते हैं। तो टैचियोमीटर सर्वे इज नॉट ए टाइप ऑफ ट्रेवर्स। वेल, मजा आया, काफी समय के बाद दिखना हुआ। वेल, ये क्वेश्चन थी इसलिए दिखना हो गया। सो ऐसा ही किया करेंगे, कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार समझा दूंगा, फिर क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया। तो यही चीज है अपना, यही सेशन है एंटायर रिविजन। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये थियोडोलाइट के ऊपर है। तो थियोडोलाइट का आप गूगल पे एक बार फोटो देख लीजिए, यहाँ पे तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। थियोडोलाइट जो होती है ना, इसके बारे में मैं थोड़ा इसको समझा रहा हूँ, आप देखिएगा। थियोडोलाइट में बेसिकली क्या होता है, एक हॉराइजेंटल सर्कल होती है और एक वर्टिकल सर्कल होती है। हॉराइजेंटल सर्कल को यूज करके हम हॉराइजेंटल एंगल मेजर करते हैं, जैसा अभी कंपास सर्वे में आपने देखा हॉराइजेंटल एंगल, तो वो थियोडोलाइट भी कर सकता है, हॉराइजेंटल एंगल को मेजर कर लेगा। और ये जो वर्टिकल सर्कल होती है, ये मान लीजिए थियोडोलाइट मशीन है, यहाँ पे कहीं पर हॉराइजेंटल सर्कल लगी हुई है, ऐसा इमेजिन करते चलिएगा, यहाँ पर कहीं पर वर्टिकल सर्कल लगी हुई है, ऐसा वर्टिकल सर्कल के साथ ही जो टेलीस्कोप होता है थियोडोलाइट का, वो फिट होता है, फिक्स होता है, ऐसा कुछ यहाँ पे कहीं पे इमेजिन करिए, वर्टिकल सर्कल है और थियोडोलाइट का टेलीस्कोप भी वर्टिकल सर्कल से फिक्स्ड है। तो आप जैसे जैसे थियोडोलाइट का टेलीस्कोप को ऐसे रोटेट करेंगे, मतलब ये हॉराइजेंटल लाइन है, हॉराइजेंटल लाइन से आप जैसे इंक्लाइन करोगे, तो वर्टिकल सर्कल जो होती है थियोडोलाइट की, वो भी रोटेट करती है। तो इस तरह से हम वर्टिकल एंगल मेजर कर पाते हैं, समझ में आया। तो हम टेलीस्कोप को किस एक्सिस, मतलब किस प्लेन में रोटेट कर रहे हैं, ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहे हैं। ये देखो ये वर्टिकल प्लेन है, तो टेलीस्कोप को हम वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहे हैं, बट ये जो रोटेशन हो रही है एक एक्सिस के अबाउट हो रही है, आपको विजुअलाइज हो जाना चाहिए। देखिए हम ये थियोडोलाइट का टेलीस्कोप है, इसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं या फिर ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो ये किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है। ये एक्सिस कैसा है, हॉराइजेंटल एक्सिस है। देखो दिस एक्सिस इज हॉराइजेंटल अबाउट विच आई एम रोटेटिंग द टेलीस्कोप ऑफ द थियोडोलाइट। इसके साथ वर्टिकल सर्कल भी घूम रही होगी जिसमें एंगल की मेजरमेंट होती है ना। तो आई एम रोटेटिंग द टेलीस्कोप ऑफ थियोडोलाइट, वर्टिकल प्लेन में रोटेट हो रही है बट अबाउट हॉराइजेंटल एक्सिस। ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस को कहा जाता है ट्रूनियन एक्सिस या फिर हॉराइजेंटल एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप, अब मतलब थियोडोलाइट। अब बात करते हैं उसका वर्टिकल एक्सिस के बारे में। ये मशीन है मान लो, तो एकदम सीधा जो एक लाइन पास कर रहा होगा इसके सेंटर से एकदम, दैट विल बी योर वर्टिकल एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट। तो अब बताओ, जो आपको मैंने बताया हॉराइजेंटल एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट और वर्टिकल एक्सिस ऑफ थियोडोलाइट, ये दोनों कैसे हैं एक दूसरे 90 डिग्री पे। दिस इज द फंडामेंटल रिलेशनशिप ऑफ थियोडोलाइट, ये हमेशा 90 डिग्री पे होना चाहिए, ये दोनों एक्सिस हमेशा 90 डिग्री पे होना चाहिए। इन दोनों एक्सिस में मान लीजिए 90 डिग्री का जो एंगल मेंटेन नहीं है, चेंज हो गया, कुछ कम या ज्यादा हो गया, इसका मतलब थियोडोलाइट आपका डिस्टर्ब हो गया। और थियोडोलाइट जब डिस्टर्ब हो गया तो उसको यूज करके जो भी रीडिंग ऑब्जर्वेशन लोगे वो भी डिस्टर्ब आएंगे, है ना। तो इसलिए, और ये कब होगा, लंबे समय तक आप थियोडोलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो इन लाइंस के बीच में जो फंडामेंटल रिलेशनशिप है ये डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी। तो ऐसे केसेस में हमको परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा जो जो बात कर रहा हूं वो सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह धीरे धीरे बेसिक पूरा का पूरा थियोडोलाइट के ऊपर और भी डिफरेंट अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, हम डिस्कस करेंगे, तो सारा का सारा पूरा एक तरह से थियोडोलाइट का भी बेसिक पार्ट आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने थियोडोलाइट को ढंग से विजुअलाइज नहीं किया है, तो हमने और भी क्लासेस लिए हैं थियोडोलाइट के ऊपर, जहां पे आपको पूरा विजुअलाइजेशन हमने करवाया है, ठीक है। आप यूट्यूब पे सर्च करिए, हमारा फोटो के साथ आ जाएगा, आपको देख लीजिएगा, ठीक है। तो जिनको पता है आप जानते होंगे, हम और भी पढ़ाए हैं तो वहां पे आपको थियोडोलाइट दिख जाएगा, तो आप देख सकते हैं वहां पे जाके, ठीक है। ऐसे यहाँ पे तो नहीं बताऊंगा, नहीं तो क्या होता है ना, ऑडियंस इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर होने लगेंगी। आप ऑडियंस इधर यहाँ के हैं तो आप यहीं पे रहिए। तो देखिए, तो ये फंडामेंटल रिलेशनशिप है इन लाइन के बीच में, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर ये डिस्टर्ब हो गया है तो परमानेंट एडजस्टमेंट करने की जरूरत है आपको। इस तरह से और भी फंडामेंटल लाइंस होते हैं थ्योरोलाइट के अंदर, ठीक है।
एक होता है एल्टीट्यूड बबल ट्यूब, जो यहाँ पे मैंने आपको वर्टिकल सर्कल दिखाया था, वर्टिकल सर्कल में ही एक बबल ट्यूब होती है जिसको हम एल्टीट्यूड बबल ट्यूब कहते हैं। अब उस एल्टीट्यूड बबल ट्यूब का जो एक्सिस होता है उसे हम एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड बबल ट्यूब कहते हैं। अब देखो जो टेलीस्कोप होता है, समझाता हूँ, बता ही रहा हूँ तो समझा ही देता हूँ। जो टेलीस्कोप होता है, ठीक है, ये टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप मतलब समझ रहे हैं ना, देखते जिससे देखते हो, वो उसे हम टेलीस्कोप कहते हैं। टेलीस्कोप का दो साइड होता है, एक होता आई पीस, ठीक है, आई पीस, एक होता ऑब्जेक्टिव। दोनों जगह लेंस लगी रहती है, इधर भी एक शीशा होता है, लेंस होता है, इधर भी ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव के तरफ से आप ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो ऑब्जेक्टिव पे जो लेंस लगा है उसका अपना एक सेंटर होगा, ऑब्जेक्टिव का जो लेंस लगा है उसका अपना एक सेंटर होगा, प्लस ये आईपीस का भी अपना एक सेंटर होगा, आईपीस जो है इसका भी अपना सेंटर होगा। तो ये आईपीस का सेंटर से ऑब्जेक्टिव का सेंटर को कनेक्ट करता हुआ जो लाइन है इसको हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं। आईपीस मतलब जिधर से आप देखोगे, ऑब्जेक्टिव मतलब जिधर से आपको दिखेगा आगे सामने वाला, आईपीस मतलब इधर पीछे वाला, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। आईपीस के जस्ट आगे क्या होता है ना, और एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम, डायफ्राम एक पर्दा जैसा कुछ होता है, ठीक है, ये डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम में क्या लगी रहती है, क्रॉस हेयर, नाम सुना होगा, क्रॉस हेयर, ठीक है, डायफ्राम में ही क्रॉस हेयर होता है। तो अब और एक लाइन आपको बता रहा हूं, देखिए आईपीस के सेंटर से आप ये कह लो, या फिर आप आई से कह लो, आईपीस से कह लो, या फिर आप ये कह लो, ये जो क्रॉस हेयर है डायफ्राम में जो लगा है, इस क्रॉस हेयर के सेंटर से पास करता हुआ एक लाइन जो ऑब्जेक्टिव के सेंटर तक जाएगा, फिर वहां से ऑब्जेक्ट तक जाएगी, वो जो लाइन ब्लू वाली जो मैंने आपको बताई, वो बताई लाइन ऑफ साइट। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है लाइन ऑफ साइट एंड लाइन ऑफ कॉलिमेशन के अंदर। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, बस आपको सिंपल यही ध्यान रखना है, आई पीस का सेंटर, ऑब्जेक्टिव का सेंटर, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। आई पीस के आगे जो डायफ्राम है उसमें जो क्रॉस हेयर है उसके सेंटर से ऑब्जेक्टिव का सेंटर से कनेक्ट करता हुआ ऑब्जेक्ट तक जो लाइन जा रही है, लाइन ऑफ साइट मतलब वो लाइन से आप देख रहे हो, दैट इज योर लाइन ऑफ साइट। समझ गए बात को, लाइन ऑफ कॉलिमेशन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में यही आपका एक बेसिक डिफरेंस, ओके, और कुछ नहीं है, बेसिकली ये दोनों एक ही है। मशीन के अंदर अगर शॉर्ट डिस्टेंस में देखेंगे, अगर आप शॉर्ट सर्वे कर रहे हैं, है ना, जिसमें अर्थ का कर्वेचर इंक्लूडेड नहीं है, तो ऐसे केसेस में तो आपका लाइन ऑफ साइट एंड लाइन ऑफ कॉलिमेशन दोनों एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं, सुपर इम्पोज होते हैं। लेकिन आपका सर्वे का डिस्टेंस अगर जैसे जैसे बढ़ता है, सर्वे में आपने पढ़ रखा होगा कर्वेचर एरर, रिफ्रैक्शन एरर, ये सारा कुछ पढ़ रखा होगा, तो वो सारी चीज जब एरर इंट्रोड्यूस होती है तो लाइन ऑफ साइट आपका परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं रह के इंक्लाइंड हो जाती है, एनालिसिस कर रखा होगा, इंक्लाइंड अप या इंक्लाइंड डाउन। तो ऐसे केसेस में आप बताओ लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो कि आपका परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है बट लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड हो गई है, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं होंगे, बस यही केस में इक्वल नहीं होता, बाकी सभी केस में इक्वल होता है, ठीक है। चलिए, ये आपका उधर का वो कॉन्सेप्ट था, आगे कहीं और आएगा क्वेश्चन तो डिस्कस कर लेंगे। अभी जो क्वेश्चन है इस पर बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप इन थियोडोलाइट इन अ वर्टिकल प्लेन थ्रू 180 डिग्री अबाउट द टर्नियन एक्सिस। मैंने बता रखा था जो टेलीस्कोप को हम घुमा रहे हैं ऐसे, ये टेलीस्कोप है आपका थियोडोलाइट का, इसको हम घुमा रहे हैं ऐसे, वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है टेलीस्कोप, बट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको हम ट्रूनियन एक्सिस भी कहते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अगर आपने टेलीस्कोप, मान लीजिए टेलीस्कोप ऐसा है, टेलीस्कोप ऐसा होने का क्या मतलब है, ये आईपीस है मान लो, ये ऑब्जेक्टिव है, मतलब इधर से ऐसे देखोगे, ये आईपीस है, ये ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं रोटेट कर दिया इसको ऐसा, तो कितना डिग्री से रोटेट किया, 180 डिग्री से, आईपीस आ गया इधर, ऑब्जेक्टिव आ गया इधर। ये जो प्रोसेस है इसी को बोला जाता है ट्रांजिटिंग, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, इसको क्या बोला जाता है, ट्रांजिटिंग। तो ट्रांजिटिंग क्या है, थियोडोलाइट का टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन में रोटेट करना अबाउट 180 डिग्री अबाउट द ट्रूनियन एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज योर ट्रांजिटिंग। स्विंगिंग क्या है, समझो ये थियोडोलाइट है, मैंने आपको बोला यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है जिसको यूज करके हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करेंगे। अच्छा, ये ट्रांजिटिंग हमको क्यों करना है, ट्रांजिटिंग करने का और वो मतलब बहुत सारा रीजन होता है। हम देखिए वर्टिकल एंगल को मेजर करने के लिए ट्रांजिटिंग कर सकते हैं, या फिर फेस लेफ्ट फेस राइट रीडिंग होती है, वहां पे ऑब्जर्वेशन लेने की होती है, वो लेने के लिए हमको ट्रांजिटिंग करने की जरूरत पड़ती है। मतलब अगर आपको फेस राइट रीडिंग को फेस लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो ट्रांजिटिंग और स्विंगिंग दोनों करना पड़ता है। स्विंगिंग मतलब क्या, मैं अभी आपको समझाता हूँ। स्विंगिंग मतलब बेसिकली क्या होता है,
जो आपका थेरो लाइट है उसको आप रोटेट करवा रहे हो ऐसे, थेरो लाइट को घुमा रहे हैं आप। तो ये जो घूम रही है थेरो लाइट, ये हॉरिजेंटल प्लेन में घूम रही है बट अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजेंटल प्लेन में घूम रही है बट अबाउट दी वर्टिकल एक्सिस। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्विंगिंग। और ट्रांजिटिंग मतलब जो थेरोलाइट का टेलीस्कोप है वो वर्टिकल प्लेन में रोटेट करेगा अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर ट्रूवियन एक्सिस, इसको हम ट्रांजिटिंग बोलते हैं। और 180 डिग्री से घुमा दिए बेसिकली, तो ही हम इसे ट्रांजिटिंग बोलेंगे। ठीक है, एक कॉल आ रही है, अटेंड कर लेते हैं। तो ये आपका स्विंगिंग एंड ट्रांजिटिंग। तो आपको क्लियर होना चाहिए स्विंगिंग का मतलब, ट्रांजिटिंग का मतलब। एग्जाम में ये टर्म पूछे जाते हैं, है ना। स्विंगिंग मतलब जो थेरोलाइट है उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेशन अबाउट वर्टिकल एक्सिस, है ना, ऐसे रोटेट करवाओगे। तो स्विंगिंग हमको करते हैं बेसिकली टू मेजर दी हॉरिजॉन्टल एंगल्स, है ना। और ट्रांजिटिंग मतलब 180 डिग्री से आपने टेलीस्कोप को रोटेट करवा दिया, वर्टिकल प्लेन में आपकी रोटेशन हो रही है बट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर ट्रूनियन एक्सिस। क्लियर है ये चीज है। अब देखिए यहाँ पे सेंटरिंग, सेंटरिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली, आपने देख रखा होगा जो प्लेन टेबल में, अगर देख रखा है तो प्लेन टेबल में जो ड्राइंग शीट के ऊपर अगर कोई स्टेशन पॉइंट ए मार्क करते हैं तो प्लम्बिंग फॉर्क और प्लम्ब बॉब को यूज करके उस ड्राइंग शीट पे जो पॉइंट है उसको हम ग्राउंड पे ट्रांसफर किया करते हैं, है ना। मतलब ड्राइंग शीट के ऊपर जो पॉइंट है और ग्राउंड पे जो एक जो पॉइंट है वो एक वर्टिकल लाइन में लाई करना चाहिए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेंटरिंग। मतलब जो ग्राउंड पे स्टेशन है इंस्ट्रूमेंट को एग्जैक्टली मुझे उस स्टेशन के ऊपर सेट करना है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेंटरिंग। और इसको कैसे किया जाता है, बाय यूजिंग प्लम्ब बॉब। प्लम्ब बॉब एक छोटी सी इंस्ट्रूमेंट होती है लट्टू टाइप का, इस तरह का। तो बाय यूजिंग दिस प्लम्ब बॉब हम सेंटरिंग करते हैं। तो ये प्लम्ब बॉब क्या शो करता है बेसिकली, मान लो इसमें एक रस्सी लटका दो ऐसे, इसको ऐसे लटका के रखो, इट विल शो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटी। क्या शो करेगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटी विच इज वर्टिकल, समझ गए। यही चीज होती है सेंट्रिक। बाकी लेवलिंग का मतलब तो समझ ही रहे, लेवल लेना, रेड्यूस लेवल के वैल्यूज को कैलकुलेट करना, दिस इज योर लेवलिंग प्रोसेस। तो थेरोलाइट का जो इस्तेमाल होता है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव क्या, मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे बताता हूँ। हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट बाय यूजिंग द हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड स्विंगिंग कॉन्सेप्ट। वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट बाय यूजिंग द वर्टिकल सर्कल एंड टेलीस्कोप, है ना। मैंने बोल रखा है टेलीस्कोप को थोड़ा सा भी रोटेट करवाओगे तो ये वर्टिकल सर्कल भी रोटेट कर जाएगी, इसमें ग्रेजुएशन रहती है, एंगल की मेजरमेंट होती है ना। तो ये भी रोटेट करेगी, तो ये रोटेट करेगी तो हॉरिजॉन्टल से कितना रोटेट की, तो यही तो इंक्लिनेशन एंगल, वर्टिकल एंगल। और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर जो सर्कल है वो रोटेट कर रहा है, तो पहले एक जीरो जीरो लाइन पे था, अब आपने रोटेट किया तो कितना रोटेशन हुआ, हॉरिजॉन्टल एंगल, ये दो मेजर कर लेंगे। प्लस चूंकि टेलीस्कोप लगा हुआ है थेरोलाइट में तो हम लाइन ऑफ साइट एस्टेब्लिश कर सकते हैं, हेंस जरूरत पड़ेगा तो हम लेवल भी ले लेंगे, बोलेंगे अरे जा स्टाफ रख उस पॉइंट पॉइंट पे, तो रीडिंग ले लिया स्टाफ रीडिंग, तो लेवलिंग भी हो जाती है। तो तीन ऑब्जेक्टिव है, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट, वर्टिकल एंगल मेजरमेंट, लेवलिंग, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ थेरोलाइट। ठीक है, और थेरोलाइट को यूज करके क्या किया जाता है, ट्रेवर्स, फेमस है थेरोलाइट ट्रेवर्स, जो टोटल स्टेशन है दैट इज नथिंग बट मॉडिफाइड या फिर मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न वर्जन ऑफ थेरोलाइट ओनली, समझ में आ रहा है। अब ये क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। और क्योंकि यहाँ से देखिए नया नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, टैचियोमीटर वगैरह सब शुरू हो रहा है, तो उसको अभी डिस्कस करूंगा, फिर आधा घंटा तो 20-25 मिनट लगेगा ही लगेगा टैचियोमीटर में, अभी मुझे ड्यूटी के लिए भी निकलना है। तो नेक्स्ट क्लास इसको लेंगे, और आप लोग कमेंट करिए। देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव फिर कोई भाई ये नहीं बोलना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितना पढ़ाया है उससे क्वेश्चन लगाने का जाओ, सारा का सारा क्वेश्चन बना लेगा मेरा भाई, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो तो होता तो मैं आपको क्वेश्चन देखता ये यहीं पर ये पढ़ के टैचोमीटर ऐसा ऐसा है ऐसा ऐसा है उसका आंसर फटाक से निकाल लेते चुटकी में। मैं आपको समझाऊंगा टैचोमीटर होता क्या, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, डेरिवेशन करके दिखाऊंगा सब उस पर बेस्ड। ये क्वेश्चन किया इस तरह के 20 या अलग कोई 20-25 सारे सॉल्व हो जाएंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है सर्वे को रिवीजन करना, है ना। तो स्पेशली सर्वे पेपर पे मैं इस तरह से करूंगा क्योंकि सर्वे का जो पेपर है इसका वेटेज काफी ज्यादा है, इसलिए बाकी आगे के आने वाले जो भी पेपर होंगे उसमें चलेंगे ना घोड़े की रफ्तार से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सर्वे वाले पेपर में अपन ऐसे ही करेंगे।
क्योंकि सर्वे इम्पोर्टेंट वेटेज वाला पेपर है, आपका एमपी व्यापम के लिए भी, जेई के लिए भी, किसी भी एग्जाम के लिए, तो सर्वे को थोड़ा ढंग से, है ना। चलिए क्वेश्चन तो बाकी हम लोग सारा ही करेंगे, लेकिन चैप्टर बाय चैप्टर समझते हुए हम करेंगे, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे थ्रेडोलाइट की बात आ रही है, तो थ्रेडोलाइट के भी क्वेश्चन इसमें मिक्सअप होंगे, तो नेक्स्ट क्लास में थ्रेडोलाइट बहुत सारे रिलेशनशिप आएंगे, फंडामेंटल लाइंस का कॉन्सेप्ट आएगा, उनका रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आएगा, टेम्पररी एडजस्टमेंट के बेस्ड क्वेश्चन आएगी, परमानेंट एडजस्टमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगी, ये जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी था इस तरह का बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो हम थोड़ा कुछ अलग अप्रोच अपनाएंगे, आपको थ्रेडोलाइट का फोटो दिखाएंगे, फिर उसमें आपको दिखाएंगे बकायदा बकायदा, तो टाइम लगेगा उसमें समझने में, है ना। तो उसके बाद एक बार समझ जाएंगे तो क्वेश्चन देखते ही टिक लगेगा। वेल, आपको क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक कर दिया कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर किया कीजिए, धन्यवाद। फ्री की क्लासेस हैं, आनंद उठाइए, लुफ्त उठाइए, इन्हीं सब चीजों के लिए पैसा देना पड़ता है, तो ये तो भला है टीसीपी वालों का कि आपको फ्री में क्लासेस पहुंचा रहे हैं, भला करिए हमारा, लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद जी।